धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रेष्ठ तेजस्वी तेजस्वी आपनाशक आपनाशक देव स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं वह परमात्मा हमारी और हम सभी के बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें ओ परमात्मा आप दुखों को दूर करने वाले हैं सुख को देने वाले हैं आप हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। केवल यू आर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दैट वी हैव गॉट अ प्रिविलेज टू प्रे फ्रॉम द ऑलमाइटी फॉर मूविंग ऑन द राइट पाथ। किसी भी एनिमल को ये प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है को प्रे कर सकते वो प्रकृति के नेचर के नियम से चलता है। केवल हम और आप एक ऐसे प्राणी हैं मनुष्य जिसको पूरी छूट फुल लिबर्टी हम जो चाहें वो सोचें और जो चाहें वो करें। किसी जानवर कोई लिबर्टी नहीं है। आप बंदर को देखिए बंदर नमक नहीं खाएगा और मीठा नहीं खाएगा। नेचर ने उसकी बनावट ऐसी बना रखी है कि फल को खाएगा और आप बंदर को नमक नहीं खिला सकते मीठा नहीं खिला सकते क्योंकि नेचर से वो वैसे ढूंढप। आप किसी भी एनिमल्स को ले लें लेकिन हमको आपको भगवान ने छूट के दे रखा क्या बात क्योंकि जितने पशु हैं भोग ही उनमें हैं भोग रहे हैं बस उनको कोई लिबर्टी नहीं है। खाना खाते हैं जिंदा रहते हैं हमेशा गरते रहते हैं भोजन ढूंढते रहते हैं समय आने पर हार्मोन बढ़ जाते हैं परिवार उनका बढ़ जाता है समाप्त हो जाता है। कोई जिम्मेदारी नहीं इनके पास समय काटना है एक साइकिल के तरह। लेकिन हमारे आपके पास एक भगवान ने हमको आपको डेवलप्ड ब्रेन दिया एक ऊपर किया इतना फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन उन्होंने दिया हमको आपको जो किसी बात को एवेल्युएट कर रहा है कम्युनिकेट करता है प्लान कर रहा है उसको और सबका अपना भला और दूसरों का भला करवाता हुआ चला जाता है। उसका उस मैटर में सेल्फ जनरेटिंग करंट है बाहर से नहीं आता उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर से पैदा होता है सेल्फ जनरेटिंग करंट उसी को प्राण कहते हैं उसी को मन कहते हैं उसी इच्छाएं पैदा होती है और वो किससे जुड़ा हुआ है शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ अंदर जो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां हैं ये पूरा का पूरा सेंसेशन नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्पाइनल कार्ड के थ्रू कहाँ जा रहा है थैलमस में जा रहा है इज ए स्मॉल ब्रेन। एवरी एनिमल हैज गॉट दिस थैलमस एंड हाइपोथैलमस चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो जितने वर्टिब्रेट्स हैं दे हैव गॉट द थैलमस राइट फ्रॉम द फ्रॉग जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है बायो में पहले पढ़ाया जाने लगा। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हमारा का मन क्या है। मन बॉस है मन सेनापति है सेना का और सेना कौन सी है ये हमारी इंद्रियाँ पांच ज्ञानेंद्रियाँ और पांच कर्मेंद्रियाँ जो फुली डेवलप्ड हमको आपको मिली हुई है इसी का वो सेनापति। लेकिन उसके निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वैलिड नहीं कर सकता
अगर किसी को देखना चाहे तो, अगर भी हेड इंजरी किसी को हो जाए या अभी एनकेफलाइटिस हो जाए या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो जाए, आदमी कभी निर्णय नहीं ले सकता, हो जाए। जितने हमने खुद हेड इंजरी के पेशेंट्स को देखा है, हेड इंजरी हुई उनकी, उनकी एरिया ये चली गई एवेल्युएट करने की, बहुत बड़े अधिकारी थे, सब कुछ थे, लेकिन भूख लग रही है, गुस्सा आ रही है, प्रेम प्यार हो रहा है, ये नहीं मालूम ये क्या हो क्या मतलब। अनकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग बट द कॉन्शियस माइंड इज टर्न ऑफ, तो ये मशीन है, ये मशीन खराब हो गई। तो जो पूरा टोटल ब्रेन है ये, इट इज अ सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। जो कुछ हमको आपको मिल रहा है ये ब्रेन मशीन से मिल रहा है, इट इज हार्डवेयर। अगर ये हार्डवेयर ठीक नहीं रहा कुछ मिलने वाला नहीं, आत्मा करेगी क्या? आत्मा उसको पावर तो दे रही है बीइंग द रियल सेल्फ, लेकिन जिसको पावर दे रही है वो खुद ही एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इससे मिलता नहीं। आपने देखा नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं उसको एनेन्केफेली कहते हैं, छोटा ब्रेन होता है, समझते ही नहीं। या सेरेब्रल पेल्सी के बच्चे होते हैं, गुस्सा भी करेंगे, सामान भी फेंक देंगे, सब कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं मालूम क्या सब कुछ है। हम क्या बताना चाहते हैं कि अचेतन मन बिल्कुल पूरा काम करता रहता है, जिसे हम आप जिंदा है, सिर्फ अचेतन कहा गया। जब आप सोते हैं गहरी नींद हमारा, तो हमारा आपका केवल थोड़ा सा चेतन मन सोता है, बस कॉन्शियस माइंड सोता है, सोचना बंद कर देता है, विचारों की भीड़ कम हो जाती है और हम आप सो जाते हैं, लेकिन अचेतन मन कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, जो एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो कुछ हमने आप में किया है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हो रहा है थ्रू जीन्स, थ्रू क्रोमोसोम्स, और वो बैठा हुआ है। वो क्या करता है, हमको आपको मोटिवेट करता है। किसको मोटिवेट करता है? मन को मोटिवेट करता है। हमारा आपका मन दो जगह से मोटिवेशन पाता है, इसको विल पावर कहते हैं, इच्छा। मन में इच्छा दो जगह से पैदा होती है, एक तो स्वयं शरीर से इच्छा पैदा हो गई इंद्रियों की, जैसे प्यास लगी प्यास की इच्छा पैदा हो गई, जो हमारा आपका थर्स्ट सेंटर है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है। हंगर हुई, थर्स्ट हुआ, पैदा हो गई। किसी कीड़े ने काट दिया, कुछ हो गया, सिंपैथी में उसने मदद किया, उसको हटा दिया, सब ऑटोमेटिक चल रही है। यूरिनरी ब्लैडर हमारा आपका फुल हो गया, इवैक्यूएशन हो गया, पेशाब हो गया, इसमें इच्छा की जरूरत ही नहीं, अनैच्छिक है ये सिस्टम, सब काम कर रहा है। लेकिन अब इस मन को कंट्रोल कौन करेगा? इस मन को कंट्रोल करता हमारा कॉन्शियस माइंड, इसको बुद्धि कहते हैं, इसको इंटेलेक्ट कहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने ब्रेन को दो हिस्से बनाया। हम आपको जब शाम को पीछे दिखाएंगे उसको, लेफ्ट एंड राइट, एक बार टू ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट, दे आर कनेक्टेड टूगेदर विद ए ब्रिज, एंड द ब्रिज इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। 50 वाट करंट इज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। हमारा लेफ्ट जो ब्रेन है हमारा आपका, इट इज वेरी कैलकुलेटिव ब्रेन, वेरी मैथमेटिकल, वेरी एस्टोक्रेटिक, वेरी टाइम पंक्चुअल ब्रेन। ये सारी बातें लेफ्ट साइड से आ रही हैं, इसमें ग्रे मैटर भरा हुआ है। यू सी द एनाटॉमी, यू रीड फिजियोलॉजी, यू कैन सी एवरीथिंग, एंड द राइट ब्रेन हैज गॉट द मोर व्हाइट मैटर देन द ग्रे मैटर। इट ऑलवेज सीज एनीथिंग इन द होलिस्टिक वे, इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी होपफुल। इसीलिए आप देखिए जब किसी काम को करने चलते हैं, एक मन कहता है ये कैसे होगा क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन एक मन कहता है जरूर होगा, भाई क्यों नहीं होगा, बी होपफुल। अंदर से आता भी होपफुल होगा, लेट अस ट्राई। एक तो कहता हाई नहीं तो क्या ट्राई करें, एक कहता ट्राई करो। ये कौन कह रहा ट्राई करो, कौन कह रहा बी होपफुल, और कोई नहीं कह रहा है, आपका राइट साइडेड ब्रेन कह रहा है। कौन अंदर से कहता है तुम इनकी सेवा जरूर करो, या आगे इनको पानी पिलाओ,
लेफ्टिनेंट कभी नहीं कहता पानी पिलाओ, वो तो बड़ा स्टूपिडिटी है, वो तो कहेगा पैसा खर्च हो जाएगा, हमारा वो चला जाएगा। लेकिन एक कारण है भाई, सेवा दे। इसीलिए राइट ब्रेन को इस समय साइंटिस्टों ने क्या कहा है, स्पिरिचुअल माइंड। वन इज इंटेलेक्चुअल माइंड, असली स्पिरिचुअल माइंड। इसीलिए उसको इस समय क्या कहा जा रहा है, SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट। इसीलिए आप सबको मालूम है, जितने बच्चे भाई बाब इसमें लिए जा रहे हैं, उनका IQ ही नहीं, उनका SQ EQ भी उसी साथ में देखा जा रहा है कि क्या इमोशनल कोशेंट है इनके अंदर। इमोशंस का मतलब क्या, ये एडजस्ट कर सकते हैं परिस्थितियों से, ये बिल्कुल स्टिक करते रहेंगे अपने सिद्धांतों के वजह, क्या इनके अंदर उदारता की भावना है, क्या दूसरे के दुख दर्द को ये फील कर सकते हैं, ये क्या ये सहानुभूति इनके अंदर है, यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, क्या इनके विवेक है इनके अंदर, क्या राइट डिसीजन ले सकते हैं ये एडवर्स कंडीशंस में। आज ये सारी बातें चेक होने लगी हैं, ये कहाँ से आएगा। जब तक SQ और IQ कब डेवलप होगा, हमारा आपका फिर बुकिश नॉलेज नहीं डेवलप हो सकता, डॉक्टर इंजीनियर बने नहीं डेवलप। मान लीजिए घर में अपने लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, हम बहुत उच्च कोट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हम बहुत बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो क्या हमारी ये मेडिकल की और सॉफ्टवेयर की नॉलेज हमारी लड़ाई को ठीक कर देगी। अपनी जगह रखिए, तो लड़ाई ठीक कौन करेगा, एक दूसरे का सम्मान, पेशेंस ठीक करेगा, धैर्य ठीक करेगा, सम्मान ठीक करेगा, सहयोग ठीक करेगा, सहनशीलता ठीक करेगा, उसको ये गुण किसी को स्पिरिचुअल गुण कहते हैं, राइट साइडेड ब्रेन से आ रहा है। आज जितने डायवर्सेस से लेकर के और जितनी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, केवल एक है, और जितनी मानसिक बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं, उसका कारण है आज प्रॉपर डेवलपमेंट किसी ह्यूमन बींग का हो नहीं रहा। आज आदमी स्प्लिट माइंड में काम कर रहा है। स्प्लिट माइंड मीन्स मन कुछ कह रहा है, विचार कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं अंदर से, तो आप सोचते हैं भाई आदमी तो बड़ा खराब है, और बाहर से आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, अंदर से आप उनसे घृणा कर रहे हैं, तो बाहर पता तो नहीं चल रहा हो, अंदर वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप कहें कौन ये एक्सेप्ट कर रहा है, रियल सेल्फ। वो ये कह रहा है कि तुम अंदर बाहर एक न होकर के अलग हो गए, वो एक टेंशन पैदा हो जाता है, उसको अशांति कहते हैं। आज जो मानसिक बीमारियों का कारण कहा जा रहा है वही अशांति है, स्प्रिट माइंड है, इससे मेंटल डिजीज पैदा होता है, क्योंकि अशांति होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर है, मास्टर ग्लैंड, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके डिस्टर्ब होने से हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, सेलुलर पैथोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, एंटायर बॉडी डिस्टर्ब। अब इसका ट्रीटमेंट किया आज, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर सारी दुनिया में बढ़ते बढ़ते मोर देन 80% है इस समय, और 67 में जब हमने KGMC से पास आउट किया MBBS, तो 60% था, जो हमारे बॉस प्रोफेसर प्रसाद साहब पढ़ाते थे, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बीमारी है, मन में प्रेजेंट कर रही है शरीर के अंदर, और इसमें तो वह के भी आ गया है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कमर का दर्द, सारी जांच आप करा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन है, और तो मन के अंदर बैठा हुआ जाएगा कहाँ से, क्यों, ड्यू सर्टेन कंडीशंस। अब इलाज क्या है, जब इतनी खराब परिस्थिति आई तब आप देखिए इस पृथ्वी के ऊपर गायत्री मंत्र क्या है, ये सूर्य का मंत्र कहते हैं विचार, एक ऐसा विचार है, ऐसी ध्वनि की तरंगे हैं, ऐसे ये अक्षरों का गुंफन इसमें किया गया है, उसके माध्यम से हम सूर्य जो सारे विश्व को प्राण दे रहा है, यजुर्वेद ही तो कहता है सूर्य आत्मा जगतस स्तुतस, ये सूर्य इस जगत की आत्मा है, आत्मा का मतलब जीवन प्रदान करें, द न्यू फेस, द रियल सेल्फ, उसी को आत्मा कहते हैं।
और जहां पर बहुत सी आत्माएं इकट्ठा हो जाती है उसी को परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। तो सूर्य क्या है? वही परमात्मा। सूर्य से जो किरणें आ रही सविता की, तत् सवित, सविता का मतलब प्रसव करने वाला, पैदा करने वाला। तो सूर्य क्या करता है? उत्पादक है, पोषक है, प्रेरक है, प्रकाशक है और परिवर्तक है। जो रेस सूर्य से आ रही है वो नहीं, वो तो केवल रेस है, वो सूर्य से आ रही है। उन रेस के साथ जो लाइफ चल रही है, जो जीवन दे रही है, उसी को सत्ता कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो सारे विश्व को राइट फ्रॉम द वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ऑल द ह्यूमन बीइंग, सब जगह प्राण, जो कि प्राण से दिखाई पड़ रहा है, ये उसी के दिखाई पड़ता है। जितना चर और अचर, लिविंग एंड नॉन लिविंग, कौन बना रहा है? आप अपने से पूछिए, आप तो सब साइंटिस्ट यहाँ बैठे। डीजल कौन बना रहा है? पेट्रोल कौन बना रहा है? डायमंड कौन बना रहा है? सूर्य बना रहा है। व्हाट इज डायमंड? इलेक्ट्रोपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन एट हाई टेम्परेचर। सूर्य से जो हीट लगातार आ रही है, हीट आ रही है, लाइट आ रही है, मोटिवेशन आ रहा है, लाइफ आ रही है, कंटिन्यूअस वो चेंज कर रही है कंडीशंस को। किरणें तो आ रही है, लाइफ आ रही है, क्या मतलब है ये बात समझ में जी? हाँ, सूर्य से किरणें तो आ रही है। हाँ, किरणें आ रही है, लाइफ आ रही है, उसका क्या मतलब? उसी के साथ लाइफ आ रही है। जैसे ऑक्सीजन इज नॉट द लाइफ, एंड एवरीबडी नोज ऑक्सीजन इज नॉट द लाइफ, लाइफ इज सेपरेट थिंग, ऑक्सीजन इज अ कैरियर ऑफ लाइफ। इसे जब अंदर का प्राण निकल जाता है तो नेजल ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन पास की जाती है, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है? क्योंकि यूटिलाइज करने वाला वो तो चला गया ना, उसी बात में। अब ये तो बुद्धि से आदमी समझ सकता है कि ऑक्सीजन तो है, यूटिलाइज नहीं हो, नेजल ट्यूब ऑक्सीजन तो पास कर रहे हैं, लेने वाला चला गया नहीं, इंटेलिजेंस चला गया। इसलिए लेटेस्ट साइंस क्या करे, एवरी सेल हैज गॉट इंटेलिजेंस, और वन द सेल लूजेस हिज इंटेलिजेंस, इट डाइज। आप कैसे सेल, और शुगर है, उसी शुगर को आप बाहर रख दीजिए तो शुगर को आप जला दीजिए, कार्बन बन जाएगा, बॉडी में जल रही था। कितना इंटेलिजेंटली वर्क कंबर्शन हो रहा है शुगर की, एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्शन हो रहा है, अब ब्रेन यूटिलाइज कर रहा है, सेल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट सेल्फ वर्क है। लेकिन अगर वही उसके अंदर का आत्मा निकल गई तो, आत्मा मतलब देखने वाला रियल सेल्फ। आप कहेंगे हम कैसे ये देखेंगे, देखने वाला कोई है? तो थोड़ी सी बात इसमें और बता देते, केवल आगे बढ़ जाएंगे। हमारे आपके शरीर में, शरीर की रचना अगर अपनी आप देखें, एक तो फिजिकल बॉडी है जो कि छोटे समाप पैदा हुए थे 5 पाउंड के, इस स्टेज पर यहाँ बैठे हैं। दूसरा हमारे बॉडी में क्या है? मन है। तीसरा बुद्धि है, इच्छाएं हैं, भावनाएं, और हमारी आकांक्षाएं। आकांक्षा क्या है? कुछ बनने का जो विचार होता है उसको संस्कृत में आकांक्षा कहते हैं। हमको इंजीनियर बनना है, हम ये बनना है, वो उसको आकांक्षा कहते हैं। ये अंदर से पैदा होती है, इच्छा बाहर से पैदा होती है। और इसके अलावा क्या? संयम है, सेवा है, न्याय है, पवित्रता है, आत्मीयता है, प्रेम है कि नहीं अंदर? तो जब आप सो जाते हैं तो सपना कौन देखता है? या जिसमें एनेस्थीसिया दे दी जाती है उसमें कभी आप किसी पेशेंट से पूछिए, हमने तो उसको कितनी बार इसी देखने के लिए पूछा, एनेस्थीसिया देने के बाद 5-5 घंटे जितने ऑपरेशन आदमी का हो रहा है तो उसको तो कोई दर्द तो है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, उसको कहाँ क्या मालूम क्या हो रहा है। लेकिन उसी पेशेंट से पूछिए ये आपको कुछ पता चल रहा था? वो कह हमको तो कोई परेशानी थी नहीं, पहले थोड़ा मालूम हुआ खटपुट, लेकिन हम तो अंधेरे में गए और बेहोश हो गए, लेकिन हम तो घूम रहे थे, हम गंगा जी स्नान कराए, अपने रिलेशन में आए, तीर्थ कराए, तो कौन घूम रहा था भाई? आपका माइंड तो बेहोश है, आपका ब्रेन तो वर्क कर ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई सेपरेट, कोई ऐसी चीज है जो कि इनसे अलग है,
जो हमारे मन को देखती है, मन को पढ़ती है, लेकिन क्योंकि आपस में इतना मिला हुआ है जैसे दूध और पानी, तो जो अलग करना मुश्किल है। अलग इसको कौन करेगा? अलग करेगा हमारा इंटेलेक्ट, हमारा एटीट्यूड। जितना रिफाइन होती चली जाएगी, अब आपकी बुद्धि जब रिफाइन हुई तब आप IIT में सिलेक्ट हुए, और इसकी रिफाइन नहीं हुई थी वो और किसके किसके नाते आप यहाँ गए, तो सोचिए केवल अपने बुद्धि के नाते बस। अब यही बुद्धि गायत्री मंत्र क्या करती है? सद्बुद्धि का मंत्र है ना ये, इसी गायत्री मंत्र की तरंगें, इसके निकले हुए पूरा का पूरा सिस्टम हमारे आपके जो बुद्धि है, जो जिसको एस्ट्रल बॉडी ने जिसको लिया गया है, वो क्या करती है कि वो रिफाइन कर दी जाती है, और चार स्टेजेस में रिफाइन करती है। पहला होता है साधारण बुद्धि, कॉमन इंटेलेक्ट। कॉमन इंटेलेक्ट क्या है? हम कमा सकते हैं, हम अपना भोजन कर सकते हैं, अच्छे साफ सुथरा हम रह सकते हैं, और थोड़े से नियमों का हम पालन कर सकते हैं, जिसको कॉमन इंटेलेक्ट कहते हैं। अब ये आगे बढ़ती है, रिफाइन होती है बुद्धि हमारी, इसी को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर हिंदी में कहते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन बट वी आर सीइंग इफेक्ट। आँख से नहीं देख सकते हम, आप एनर्जी को आँख से कहाँ देख सकते, फील कर रहे हैं, उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। तो जब वो आगे बढ़ती है तो मेधा बन जाती है, संस्कृत उसको मेधा कहते हैं। यजुर्वेद के माध्यम से प्रार्थना किया गया है, ओम या वे धाम देवगणा पितरस्तोपास्ते त्यामे मेधयाग्ने मेधाग्निम कुरु। हे परमात्मा, जो मेधा बुद्धि आपने देवताओं को दिया था, वही मेधा बुद्धि आप हमको प्रदान करें। आप कहेंगे मेधा क्या है? अगर संधि विच्छेद करें, मेधा का मतलब उसको आंकलन करना, तौलना, उसको प्लस माइनस उसका देखने आता। किसका प्लस माइनस देखना? हम भोजन कर रहे हैं या किसी काम को करने हम चल रहे हैं, तो करने के पहले हम उसको एसेस करेंगे कि क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसमें लॉस होने वाला है, करें कि ना करें इसको हम। इसीलिए मेधा बुद्धि तो संस्कृत का शब्द नहीं है, उर्दू में इसी को कहते हैं अकल। अकल मतलब आंकलन करना, तौलना, तो अकल कहते हैं इसी को। और इंग्लिश तो पुअर लैंग्वेज है नहीं, उसमें एक ही वर्ड है विजडम बस, और कोई वर्ड उसमें। लेकिन संस्कृत क्या कहना, वो तो गुण के हिसाब से ऋषियों ने उसका नाम दिया है। अब देखिए वही मेधा जब आगे बढ़ती है, मतलब क्वालिटी वाइज, तो क्या होगा? सुमेधा। सुमेधा में क्या गुण आ जाएंगे? इतनी क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी कि आपके अंदर फॉर साइटेडनेस आ जाएगी। विजडम इज द फॉर साइटेडनेस। आज जिस काम को हम कर रहे हैं, आज से 5 साल के बाद क्या परिणाम इसका आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा। ये पावर आपके दिमाग पर जाएगी। इसी कहते हैं संस्कृत में सुमेधा। इंग्लिश में यू कैन से विजडम इज द फॉर साइटेडनेस। विजडम तो है, आज विजडम वालों की कमी है, लेकिन देखिए क्या करें। उसे कहने जो अब वही बुद्धि देखिए और आगे बढ़ेगी, रिफाइन होगी तो क्या आ जाएगी? उसको कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जहाँ ट्रुथ का निवास होता उसी को प्रज्ञा कहते हैं, सत्य का निवास। अब आप कहेंगे सत्य, अब हमारी आपकी बॉडी एनर्जी और इन्फॉर्मेशन की केवल और केमिकल्स की बनी हुई है। अब ये सत्य है, हम आप इमॉर्टल हैं, ये सत्य है। लेकिन फील कहाँ होगा? आदमी कहता आत्मा, कहते तो सभी, लेकिन कभी न ऐसा व्यवहार है न वैसा जीवन उनकी मान्यता है। शब्दावली जरूरी है, हम अमर हैं शब्दावली है, लेकिन अगर अंदर आ गया हम अमर हैं तो उसको कभी डर लगेगा? इवन नौकरी में जो आदमी परमानेंट हो जाता है उसकी डर खत्म हो जाती है। अरे भाई जब सरकार निकालेगी तो 3 महीने की तनख्वाह देगी और हम मुकदमा लड़ेंगे, डर खत्म हो गई नहीं। लेकिन जो आदमी अपने ये समझ लिया हम तो अमर हैं,
उसको क्या डर है भाई? हमने मान लीजिए आज अच्छा काम किया, हमको उसका फल नहीं मिला, बट आई एम होपफुल, ये एक्शन एंड रिएक्शन भी करें, आज नहीं तो कल मिलेगा, और हम अमर हैं, अगली आएंगे तो फिर मिलेंगे। अब आप अपने हमार देखें, ये शरीर क्यों मिली है? आप यहाँ क्यों सिलेक्ट हुए? हम डॉक्टर क्यों हुए? आप IIT में क्यों हैं? आप अच्छी पोजिशन क्यों चले गए? भगवान ने पक्षपात को थोड़ी किया आपके साथ, अरे जो आपने किया था वो फल आपको मिला। ये सारी दुनिया तो सिद्धांत के ऊपर चल रही नहीं है, प्रिंसिपल्स को तोड़ दीजिए सब कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमात्मा व्यवस्था के रूप में है, उसी का फल दे रहा हमको, आप अपना ही फल दे रहा हूँ। इसी को परम पुरुष गुरुदेव ने इतना सुंदर लिखा हुआ है कि हर जीवात्मा पैदा होते ही अपने साथ एक धर्मशास्त्र लेकर के आता है, अंतःकरण में धर्मशास्त्र लेकर के आता है, जो स्वयं उसको गाइड करता है अंदर से। और जो मनुष्य अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, वो निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनता अंदर की, मन में चित्रगुप्त, मन में बैठा हुआ चित्रगुप्त रूपी देवता उसके कर्मों का फल स्वतः देता है। व्यवस्था भगवान की देख, उसने बनाकर एक सिस्टम छोड़ दिया, आप उल्टा काम करिए, उल्टा मतलब पाप, आपकी चिड़िया का नाम नहीं। आप बड़ों का सम्मान मत करिए, आप एक्सरसाइज मत करिए, आप प्राणायाम मत करिए, आप पढ़ाई मत करिए, ये उल्टा काम है, इधर उल्टा होगा, किसी को पाप कहते हैं, सीधा करिए उसी को पुण्य कहते हैं। आप देखिए गायत्री मंत्र क्या करती है, गायत्री मंत्र में तीन चरण है। अब ओम भूर्भुवः, इसको क्या कहते हैं, ये एडजेक्टिव सेवास, ये विशेषण है भगवान की, इसे वो शीर्ष कहा गया है। भूर्भुवः ओम, ओम से दुनिया ही बनी है ये, ओम में जो तीन लेटर है ना, ओम तो एक वर्ड है, ये जो तीन अक्षर है अ उ और म, आ का आ बोलते ही आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों लिप्स ओपन हो जाते हैं, समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, पैदा हो गया। इसी को संस्कृत में ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा कोई आदमी नहीं है, ब्रह्मा मीन्स क्रिएशन। और जब ओ कहते हैं तो दोनों लिप्स कर्व हो जाते हैं ना, ओ, अब जो पैदा हुआ वो जिंदा है, सस्टेन कर रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, इसे विष्णु कहते हैं संस्कृत पालनहार। और फिर आप दोनों ओर चिपक गए माँ, इसी को महेश कहते हैं शंकर। यही परमात्मा की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इससे हम आप पैदा हुए हैं, दुनिया पैदा हो रही है, चल रही है और बदल जा रही, समाप्त हो जा रही। अब उसी देखिए जब ओम की व्याख्या हुई तो क्या बना, भूर हुआ स्व त्रिलोक बन गया, सब जगह मौजूद हो गया। अब जब उसकी व्याख्या हुई तो गायत्री मंत्र आ गया, तत् सवितुर वरेण्यम, वह परमात्मा कैसा है, सविता के रूप में। गायत्री मंत्र देखिए ये भी बता रही परमात्मा है कैसा, वो करता क्या है, रहता कहाँ है, देता क्या है, बड़ी अजब की बात है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए चारों वेद इसी गायत्री महामंत्र के चार भाग की व्याख्या केवल बस है। और आप वाल्मीकि रामायण देखिए तो 24,000 मंत्र हैं उसमें, और सब में संपूर्ण एक ही ओम एक गायत्री मंत्र कर रहा हुआ 24 अक्षरों का, और कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, व्याख्या के रूप में अपने अपने तरीके सबने मिल गया। तो तत् सवितुर वरेण्यम में पहला चरण है कि हम उस सविता को वर्ण करते हैं जिसने हमको पैदा किया, इसी के नाम ज्ञान योग, ज्ञान ज्ञान के माध्यम से अपने को पहचानना। लेकिन तुरंत तो पहचानेंगे नहीं, साइंस का प्रिंसिपल तो आप सबको मालूम है कि पहले हम किसी बात को मानते हैं फिर जानते हैं। सपोज 1 and 1 is equal to 2, ये तो पढ़ाया जाता है कि प्रूव हो चुका 1 and 1 is equal to 2, सपोज से शुरू हुआ ये, अब फिर प्रूव हो गया।
तो किसी बात को जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए पहले हमको मान करके चलना पड़ेगा उसमें। टाइम विल कम देन दिस इज द प्रूफ, और इस सब्जेक्ट की फीलिंग है, आप फील करेंगे उसको, हाँ ऐसा है, लेकिन आप चलेंगे नहीं उस पर तो फील क्या करेंगे? आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो आप जानेंगे क्या? तत्व सब्जो वरेण्यम, यही ज्ञान योग है। अब वो शक्ति करेगी क्या? भार्गव देव से धीम, इसी को कर्मयोग कहते हैं। तीन ही योग सबसे बड़े हैं ये। भार का मतलब जला देना, भून देना और पवित्र कर देना, प्योर प्यूरिफाई कर देना, इसी को भर कहते हैं। तो क्या प्योर होगा बताइए? हमारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव बैठा हुआ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, आदमी का कोई दुश्मन नहीं, आदमी केवल स्वयं उसके ही दुश्मन है। काम क्रोध लोभ मोह शोक ईर्षा द्वेष और अहंकार, यही छह दुश्मन है बस, यही रहते रहते हैं। इसी को जब उन्होंने कम कर दिया तो कह दिया वासना तृष्णा और अहंकार, लस्ट ग्रीड एनी हो। वासना क्या है? जो हमारे आपके मन में वास करता है उसी को संस्कृत वासना कहते हैं। तो क्या वास करता है? जितनी इंद्रियां हैं वो माइंड में ओपन होती हैं, उन्हीं की क्वालिटी ओपन होती है। अब स्मेल है ना ये, अब यही स्मेल जब ओपन हुई मन में जाकर के, हर आदमी अपनी अपनी स्मेल पसंद है कि अलग अलग स्मेल पसंद है, वही आप लाइक करते हैं क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर आप स्वाद है, हम तो यही स्वाद खाएंगे क्योंकि वो स्वाद आपके मन में बैठा हुआ है। सब बिना स्वाद आप रह नहीं सकते, कितने आदमी है बिना नमकीन नहीं रह सकते, बिना मीठा आप रह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमको कंपेल कर रहा है खाने के। ऐसे हर इंद्रियों का स्वाद है, दृष्टि है, विजन है, कान से संगीत है, सुनना है। हम क्या बताना चाहते हैं कि सारी की सारी इंद्रियां अपने सब्जेक्टिव फीलिंग को मन में स्टोर कर देती हैं और हम और आप इसी को गुलाम या स्लेव्स, हम ये कम सिन ऑर्डर है। क्यों? अब कितने लोग हैं जो चाय पीने का आदत पड़ गई तो बिना चाय लेने से तेहड़े को लेंगे, गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? चाय के गुलाम और स्वाद के गुलाम हो गए। और जो किसी का गुलाम हो गया उसको सुख कहाँ मिलने वाला है? स्लेव इज अ स्लेव, तो कभी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कब मिलेगा? जब हमारी गुलामी खत्म होगी तभी है, वैसे नहीं। गुलामी कौन खत्म करेगा? अब गायत्री में तो हम क्या करें, हर वो देव से धीम है, हे परमात्मा हमारे मन को पवित्र करिए, मतलब जो अनवांटेड बैठी है उसको साफ करिए, हटाइए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं देवस्य, हमारे मन में गुणों को भर दीजिए। आप गुणों की खान है, धी मतलब बुद्धि में, मतलब अपने। अब इतना करने के बाद, जितनी प्रार्थना के बाद, तब हम परमात्मा से अंत में क्या प्रार्थना करते हैं कि धियो यो न प्रचोदया, हम सबको आप न बहुवचन है, इसीलिए गायत्री मंत्र को यूनिवर्सल प्रेयर कहा गया है। केवल एक आदमी की प्रेयर नहीं है, अगर जानवर भी आपके पास बैठा होगा वो भी राइट डायरेक्शन चलने लगेगा इसी गायत्री मंत्र से, क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस पैदा हो रही हो तो हिट करेगी ना जाकर के उसको, उसके माइंड को। भार्गव देव से धीमे धियो यो न प्रचोदया, हे परमात्मा आप हमारे सबकी इच्छाओं को, विचारों को, भावनाओं को श्रेष्ठ हमारे पर चलाइए। इसीलिए जानते हैं गायत्री मंत्र करती क्या है, हमारी आपको मन को पवित्र करते हुए हमारे आपके श्रेष्ठ इच्छा पैदा कर देती है। मन की इच्छा तुम्हारी ये हो रही है कि हमको ये कम काम करके ये करना चाहिए, लेकिन वो गलत है, हम बाद में परेशान हो जाए। और जब वो मोटिवेट हमको करेगी वो कहेगी उसी इच्छा को खत्म नहीं करती, फिर क्या करती है, उसको रिप्लेस कर देती है किसी और इच्छा से, ट्रांसफर कर देती है, रिफाइन कर देती है, और उसमें आप सुखी हो जाते हैं, बदल दिया उसको। फिर हम आप खुद सोचते हैं अरे भाई ये तो अगर उस काम को करते तो गलत हो जाता, ये हमने किया ये अच्छा हो गया। गायत्री मंत्र किस रूप में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे आप के अंदर डालती है, पहला इफेक्ट क्या डालती है, हमारी आपकी इच्छाओं को रिफाइन कर देती है और जो यूजफुल इच्छा है वही पैदा करेगी, बस दूसरी हटा देती। दूसरा दुखों को दूर करती है,
दुख क्यों दूर हो गए, दूर हो, दुख होता क्यों है? क्योंकि हमारा मन परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दुखी हो गए। तो गायत्री मंत्र में क्या करती है, या तो आगे वाला आदमी मतलब परिस्थितियाँ आपकी तरीके से हो जाएंगी, या आप परिस्थितियों से एडजस्ट कर जाएंगे, दोनों में तालमेल बैठ जाएंगे, तो वही बिठा लेंगे तो आप भी बिठा लेंगे, तो दुख दूर हो गया। ये कैसे हो गया, ये मन बदल गया। अब एक आदमी को आप बहुत खराब समझ रहे थे और आप गायत्री मंत्र के जापक हैं और आप परेशान हैं उससे, अचानक आप देखेंगे आप मन पैदा हो जाएगा कि भाई खराब आदमी तुम्हारे घर में भी है। अगर ये बाहरी जिनको हम कह रहे हैं ये भी तो घर के ही हो सकते हैं, अगर घर वाले खराब हैं, व्यवहार खराब है, अगर इनका खराब व्यवहार हो गया और उनके साथ हम तालमेल बिठा सकते हैं, इनके साथ क्यों नहीं बिठा सकते? मन बदल गया नहीं, अमर बदल गया तालमेल बैठने लगा बॉस के साथ, परिस्थिति थोड़ी बदली, बॉस तो वही है, लेकिन फिर हमारा मन बदल के क्या कहने लगा? उन्होंने कहा इट इज ए नाइट, भले डे हो, हमने कहा यस सर इट इज नाइट, मतलब जो बॉस कह रहा है बॉस इज ऑलवेज राइट, क्यों हम उससे लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बुद्धि कह रही तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते उस समय, एडजस्ट करो। इसको कहते हैं ये बुद्धि कौन देता है, यही गायत्री मंत्र देती है, परिस्थिति बिल्कुल एडजस्ट करवा देगी आप, और थोड़े समय आप देखेंगे कि या तो वही चले जाएंगे या तो आप ही चले जाएंगे शांत भाव से, इतनी भारी शक्ति इस गायत्री मंत्र। अब आपको हम परम बुद्धि को उदाहरण दे रहे हैं, ये हमारे आपके जीवन में तो आप देखना आता ही रहेगा, हमारा तो हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं अपनी 8 साल उम्र से कर रहे हैं, हमारा 72 इयर्स के हैं हमसे और 8 साल से कर रहे हैं, 100 बार करते थे बस, 108 टाइम्स। हमारे फादर भी MBBS थे KGM से लखनऊ के 1926 के, और वो भी गायत्री मंत्र जब करते थे, 40 इयर्स उम्र से उन्होंने शुरू किया। तो मदर हमारी कहती थी जब तक तुम 108 बार नहीं करो तुमको खाना नहीं देंगे, तो मदर ही बच्चों को बनाती है वास्तव में, तो शाम को ज़बरदस्ती हमको करना पड़ता था, और सुबह फादर कहते थे करके तब तुम जाओगे यहाँ से, हमारी हैबिट हो गई। अब देखिए उस आदत से क्या हुआ धीरे धीरे कि मन हमारा न जाने कितने सपने दिखाई पड़ते थे, ये सब देखते हम भी देखते थे, धीरे धीरे सपने भी रिफाइन होने लगे, साथी हमको अच्छे मिलने लगे, और जो साथी हमारे झूठ बोलने वाले थे वो कहते भाई ये सब बेकार आदमी है, ये तुम्हारा साथ देता ही नहीं, छोड़ चले जाते। तो गायत्री मंत्र बड़ी खास बात होती है, या तो आपके साथ चले या तो आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आप उसके काम के ही नहीं, भाई आप तो सत्य बोलने वाले हैं, आप सेवा करने वाले हैं और झूठ बोलने वाला है तो आपके बात काम बनने वाली है। तो हमने क्या देखा कि जब बुद्धि निगेटिव कभी चली तो अंदर से दूसरा विचार आया, या जिसके साथ गड़बड़ हो रहा था वही छोड़कर चले गए, हम ही छोड़कर चले गए, और परिस्थिति अपने आप ठीक होती चली गई, और उसी इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणा आती है कि आप खुद रियलाइज करें उसको, कभी मन हारेगा नहीं आपका, वो फ्रूट बना रहेगा। और गायत्री मंत्र सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी, इंट्यूशंस आने लगेंगे आपके अंदर, आपको बिल्कुल भविष्य दिखाई पड़ने लगेगा। ये कितने लोगों ने इस बात को बताया, और हमारे जीवन का अनुभव है, BSc Part 1 से MBBS में सिलेक्ट हुए, KGM से हुए, ये आप दोनों के अंदर एक साथ होता था, CPMT कहते थे उसमें कानपुर, तो उसमें ओपन हो रहा था नया GSPM कानपुर, ये और लखनऊ मेडिकल कॉलेज था, और दोनों के अंदर साथ हुआ, 150 बच्चे लिए जाने थे, 125 लखनऊ में, 25 गर्ल्स और 100 वो, जिसमें 10 फादर्स की सीट्स वहाँ अलग रिजर्व थी। तो फाइनल में हमारे क्लास रूम ने कहा भाई फाइनल तो ज्वाइन करना है, तो हम उसमें आधे घंटे सुबह शाम ही घंटे जब करते थे, हमने कहा हम तो नहीं ज्वाइन करें, हमको ऐसा लग रहा है कि यू आर सिलेक्टेड। तो मोहन सुरु का क्लास रूम तो बड़ा मित्र था, कहने का तुम बड़े भविष्यवक्ता बन गए, हमने कहा भविष्यवक्ता कुछ नहीं, लेकिन हमारे अंदर से आ रहा है तुम सिलेक्ट हो गए, कहा कोई बात नहीं, और जब रिजल्ट आउट हुआ था यू आर सिलेक्टेड। गायत्री मंत्र बड़ी खास बात है, आप खुद देखेंगे उसको कि आपको पहले से ही मालूम है, इंट्यूशन आने लगेगा आपको, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और आपकी चाल बदल जाएगी। अब ये पहले हमको कुछ भी नहीं मालूम था कि इंट्यूशंस क्यों आ रहे हैं और लोग क्यों ऐसा बता रहे हैं,
कैसे हो रहा है ये तो बाद में साइंस पढ़ने के बाद, पूज्य गुरुदेव का गायत्री महाविज्ञान पढ़ने के बाद, जब हमने थारो स्टडी फिजियोलॉजी की फिर से किया और हमने मैपिंग ऑफ द माइंड बाय रीटा कार्डनर लेटेस्ट बुक हमने पढ़ा 2000 की, सारी बातें साफ होती चली गई। हाउ इट इज़ वर्किंग, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इंट्यूशंस क्यों आ रहे हैं, फॉरसाइटेडनेस क्यों आ रही है, एनर्जाइज क्यों हो रहे हैं आप, बस अपरम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में यही लिखा है बेटा आध्यात्मिक विज्ञान है। अध्यात्म जानते हैं शब्द कब से आ रहा है, ये 1958 जेनवा कॉन्फ्रेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड था ही नहीं, पॉजिटिव हेल्थ एक ही परिभाषा थी, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हु हैज गॉट द थ्री वेलबींग्स ही हैज गॉट द पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन 1958 में साइंस की खास बात क्या, रिसर्च करती है, ये कह दिया गया नहीं ये मान नहीं देते उसको, तभी तो प्रोग्रेस करेगी ना, धर्म इसीलिए रुका रह गया नहीं, जो कह दिया वो पूरा ब्रह्म वाक्य है, अरे भाई इसीलिए ठप हो गया, परम पूज्य गुरुदेव ने दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्म वाक्य कुछ है ही नहीं, उसमें परिस्थितियों से बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा वो। तो 1958 में डॉक्टरों ने ये देखा कि अमेरिका पर रिसर्च हुई है वहाँ से कि मोस्ट एडवांस कंट्री में सोने की दवा इतनी क्यों खाई जा रही है, टनो मन फिनोवार का इस्तेमाल जस्ट फॉर स्लीप वॉज बींग यूटिलाइज इन USA एट दैट टाइम। तब जेनवा में कॉन्फ्रेंस हुई 58 में और 108 कंट्रीज के वहाँ डॉक्टर्स आए, साइकोलॉजिस्ट आए, बायोकेमिस्ट आए और एक ही रिजल्ट सामने आया कि जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि माइंड तो उनका बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल बहुत है, लेकिन उनका मन ठीक नहीं है इसलिए बीमार हो रहे हैं, ये टेंशन में है। तब उन्होंने कहा देयर इज समथिंग एल्स देन दीज थिंग्स, तब उन्होंने कहा ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है जो कि चेतना है और जिसके अंदर ये प्रेम भरा हुआ है, जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर सेवा है, जिसका आत्मीयता है, जो पवित्रता है, जो देखती है किसी बात को, जो एवेल्युएट करती है, उसी को स्पिरिट कहते हैं, उसी उर्दू में रूह कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि पॉजिटिव हेल्थ स्टेट ऑफ फिजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग 58 में आया ही, लेकिन मेडिसिन ने कोई डेफिनेशन नहीं दिया इसके अलावा, उसने एक ही बात कहा द पर्सन हु इज मेंटल फीलिंग थॉट्स एंड एक्शंस एंड द पर्सन हु इज हैविंग फीलिंग थॉट्स एंड एक्शंस इन वन लाइन मतलब दे आर सेम ही इज द स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक आदमी। उन्होंने खाली इतना ही कहा बस और आगे कोई बातें नहीं कहा कि आपकी भावना, आपका विचार, आपका कर्म एक साथ काम कर रहा है, आप एक हैं तीनों से, आप एक आध्यात्मिक आदमी हैं और आप स्वस्थ रहेंगे, बस इतना मिला। लेकिन हमको आगे समझ नहीं आता था कि ये पंडित लोग मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में इतना कर रहे हैं सब ये, लेकिन वेलबींग क्यों नहीं है, इज इट स्पिरिचुअलिज्म या हमारा मन कहता था, क्या इसको अध्यात्म कहते हैं, ये तो अध्यात्म ही नहीं भाई। अगर कोई आदमी आध्यात्मिक होगा दुखी क्यों होगा, परेशान क्यों होगा, तो प्रसन्न होगा। इसका जवाब कहाँ मिला, उसको पूज्य गुरुदेव में, अध्यात्म क्या है, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, 4000 पुस्तकें लिखी, 3000 पुस्तकें लिखी, सारे आर्षकों का भाष्य किया, इसी गायत्री मंत्र पूज्य आचार्य जी की शक्ति आई है। उन्होंने क्या लिखा, अध्यात्म क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी होने का नाम अध्यात्म है, बहिर्मुखी होने का नाम ये संसार है। और हम आप यही तो करते हैं, दुनिया की बातों को जानते हैं, वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे, एटम कैसे, मॉलिक्यूल कैसे, जानना चाहिए, लेकिन हम क्या हैं, हमारे विचार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। तो जो आदमी अपने को जानने लगता है, अपने को देखने लगता है, अपना सुनने लगता है, अपने को ऊंचा उठाने लगता है, उसी को आध्यात्मिक इंसान कहते हैं, यही आध्यात्म। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने को गिराओ मत, नात मानम अवसादेत, मनुष्य अपने को स्वयं गिराता है और स्वयं उठाता है, तो गिराने वाला कौन, हमारा अपना मन, दुश्मन कौन, हमारा मन। अगर हमारे मन के अंदर भी ईर्षा द्वेष पैदा हो जाए
अभी किसी की बुराई पैदा हो जाए तो आदमी दुश्मन होगा कि नहीं? वो भी अलग हुआ, हम भी अलग हो गए, दोनों गिर गए। और अगर न्याय पैदा हो गया, सेवा पैदा हो गई हमारे मन के अंदर, आप हमारे हो गए तो आपके हो गए, हम उठ गए। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मानो आत्मैव, आत्मा का हित आत्मनो, अपना ही मन, बंधुरात्मैव मतलब मित्र है, अपना ही मन विचार करने वाला ही हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु है। रूपरात्मै वही बंधु है और वही एक ही बात को सब कह रहे हैं अपनी भाषा में। उद्गुरुदेव के साफ साफ कहते हैं, बेटा मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा दुश्मन, मन को मित्र बना दो। तो गांधी मन क्या करता है, मन को हमारा आपका मित्र बना देता है बस, और कुछ नहीं। मन मतलब खाली मन नहीं है ये, वही मन जब रिफाइंड होता है तो इंटेलेक्ट बन जाता है, वही और रिफाइंड होता है तो स्पिरिचुअल माइंड बन जाता है। तीन माइंड है हमारे आपके पास, वन इज द सिंपलेस्ट माइंड जिसमें इच्छा पैदा हो रही है, सेकेंड इंटेलेक्चुअल माइंड जिससे आप हम आप काम कर रहे हैं, निर्णय लेते हैं, एवेल्युएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्लान करते हैं, और थर्ड इज स्पिरिचुअल माइंड। अब तीनों माइंड जब मिल करके काम करने लगते हैं तो पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। गायत्री मत यही करता है कि तीनों माइंड को मिला देता है और हमको आपको सब मिलने लगता है। अब देखिए इस गूढ़ रहस्य को, ये दर्शन को अथर्वेद कहता है। वेद तो मनुष्य के लिखे हुए वेद नहीं है, वेद का एक नाम आप लोग जानते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब अंदर से सुना गया, इसीलिए सबसे पहले एक कागज होता ही नहीं जिससे आपको बताइए। तो भोजपत्र के ऊपर लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि भोजपत्र, भोज जो ट्री है उसके ऊपर उन्होंने इसको लिखा था। भोज का पेड़ तो हमने कभी देखा नहीं था, किसी ने उसको कैलिफोर्निया गए थे तो वहाँ पर, वहाँ हमारी बहुत बड़ी शक्ति थी। और जो सिलिकन वैली है कैलिफोर्निया में, वहाँ तो सब इंजीनियर्स ही थे, वहाँ हमने गोष्ठी लिया सिलिकन वैली में, इंडियंस बहुत है वहाँ। ये कानपुर के ही मोहन गुप्ता है कैलिफोर्निया में, IIT कानपुर से ही है सब, पूरी फैमिली वहीं रह रही है गुप्ता जी, और वो भी गायत्री मंत्र की पूरा प्रचार कर रहे हैं, शाखा बनाए हुए हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए वेद क्या कहता है, गायत्री मंत्र क्या देती है। पहले गायत्री मंत्र करती है जो अथर्ववेद कह रहा है कि सुता में आवरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी नाम। जिसने गायत्री मंत्र का जप किया या गुणों को धारण किया तो पावमानी मतलब पवित्र करना, पहला काम करती मन को पवित्र कर देती है, प्योर बना देती है, नेगेटिविटी खत्म करने लगती है धीरे धीरे। फिर क्या देती है, फिर बिना मांगे हुए हम आपको सात चीज मिलता है इसी जीवन में। आप जो जो आदमी आज परेशान हो रहा है ना ये, और फिर भी दुखी है, अगर आप जा गायत्री मंत्र का सहारा ले लीजिए फिर आप देखना, ये बिना मांगे आपको सात चीजें मिलती रहेंगी उसी माँ के सहारे। माता का निर्माण करने वाली शक्ति आयु मिलती है, आदमी प्राणवान हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, इतना उसके अंदर स्ट्रांग विल पावर को प्राणवान व्यक्ति कहते हैं। तीसरा प्रजा, प्रजा मतलब इष्ट मित्र साथी सहयोगी परिवार बच्चे, इसको प्रजा संस्कृत में कहा गया है। पशु, आप केवल इच्छा करेंगे पशुधन आपको मिल जाएगा, केवल इच्छा से माँ कह रहे हैं। प्राण प्रजा पशु चार हो गई, लेकिन अभी देखिए दे देती जा रही है, अगर इतने से काम चलने वाला आदमी का नहीं है। फिर क्या दी कीर्त, फेम एंड नेम, आदमी फेम एंड नेम चाहता है, कोई कैसे कोई कैसे, वो कह रहे हैं तुमको देंगे तो सही रास्ते से देंगे तुमको। फिर क्या देगी, कीर्ति हो गया द्रव्य, धन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, धन तो चाहिए। आज आदमी इसी धन के पीछे कितना पागल है, कितना पैसे पीछे क्या क्या काम, पढ़ा लिखा आदमी इतना है लेकिन ये मुंह से बोलने उनको शर्म आती है कि घूस खोरी पढ़ा लिखा आदमी करे। हम धनबाद में गए हुए थे वहाँ, और वहाँ धनबाद में गोष्ठी हो रही थी और उनके डायरेक्टर सब बैठे हुए थे कंपनी में, हमको क्या मालूम, उसमें एक डायरेक्टर साहब थे वहाँ बगल बैठे थे, वो सस्पेंडेड थे। टेंशन कैसे, टेंशन फ्री काम किया जाए,
हाउ डू रिड्यूस टेंशन इज माय लेक्चर था। तो किसी ने बताया साहब चाय पानी में, पता नहीं डायरेक्टर साहब क्या हो गया कि 50,000 घूस लेते हुए पकड़ ली गई और सस्पेंड हो गए, और तनख्वाह कितनी मिली तुमको 1.5 लाख। अब ये क्या है देखिए, एंडलेस डिजायर। अगर आदमी की बुद्धि साफ जाएगी तो पैसे कमी थोड़ी आपको होने वाली कभी, लेकिन आप बदनामी नहीं होंगे, आपका बुद्धि सही बनाए रखती है वो, और आपको नेक नामी देती है, सब देती है। यही कह रही हमको दर्द बहुत देंगे हम। तो दो तरीके का द्रव्य गायत्री मंत्र के जप और उसे आचरण करने से मिलता है, एक तो वेल्थ, फिजिकल वेल्थ धन, और दूसरा डिवाइन वेल्थ। दोनों वेल्थ मिलेगी आप अंदर से, आप कल आपका बढ़ा हुआ राइट डिसीजन आपने, आप सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिद्धांत अपनी जगह काम करता रहेगा, उससे नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये बिना मांगे दे रही, लेकिन अंत में क्या देती, सबसे बड़ी शक्ति थी ब्रह्म वर्चस्व। माँ कहती बेटा तुमको धन मिल गया, शरीर मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, फिर भी तो आदमी परेशान रहता है, कमजोर आदमी परेशान रहता है, आत्मन जिसके पास नहीं। ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं आत्मन, यदि शांति के द्वारा आप आएंगे तो गुरुदेव ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान बनाएंगे, जो अब यूनिवर्सिटी में दोनों काम हाथ से मिलकर के चल रहा है बच्चों के द्वारा। ब्रह्म वर्चस्व, वर्चस्व का तेज, परमात्मा का तेज गुण जब मनुष्य के अंदर आता है उसी को आत्मन कहते हैं, उसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहते हैं, जो राइट डिसीजन लेती है राइट टाइम। हमको ये करना चाहिए, जितना पावर डेवलप हो जाता है तो आत्मन देती अंत में वीर हो गया। इसीलिए आज आत्मन की कमी से देखें क्या हो रहा है, मीन्स आर देयर बट नो सेटिस्फेक्शन। मीन्स मतलब अच्छी कार है, अच्छा परिवार है, एसी हाउस है, पैसा जमा है, संतोष नहीं, क्यों नहीं हो रहा, आत्मा नहीं, संतुष्टि हमको हो ही नहीं इसलिए। आज की सबसे बड़ी ये समस्या है, मीन्स नो सेटिस्फेक्शन, प्लेजर इज देयर बट नो पीस। प्लेजर के सब साधन है कि नहीं, मन में शांति कहाँ, और जिसका मन शांत नहीं उसको सुख कहाँ मिलेगा। भगवान से विश कहते हैं अशांता मन तो सुखम, सुख कैसे मिलेगा उसको, और शांत मन कब होगा क्या आप सब जानते हैं, जब आप 3 बात मन पैदा करेंगे। आप लालच को कम कर देंगे, आप अपने अहंकार को कम कर देंगे, आप सेवा की भावना पैदा कर देंगे, उपयोगिता की भावना पैदा कर देंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। और नहीं तो लखपति की, करोड़पति की, अरबपति, तो एंडलेस डिजायर है नहीं है। एक कवि की बात आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको भी शायद अच्छी लगी है, तृष्णा अग्नि प्रलय की तृप्त न कबहू होए, सुर नर मुनि अर रंक सब भस्म करते हैं। तृष्णा का मतलब वही लालच बढ़ गई, इसको तृष्णा संस्कृत में कहते हैं, एंडलेस डिजायर है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे जहाँ की डिजायर हो खत्म नहीं होने वाली, हम ही खत्म हो जाएंगे। वो क्या करेगी, जला देगी, चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे रंग हो, मतलब भिक्षा मांगने वाला, चाहे राजा हो, भावना ये जला देगी। बस गायत्री मंत्र क्या करती है, सब डिफाइन कर देती है, टोटल डिफाइन कर देती है। और ये अंत में क्या देती है, तो माँ कहती है बेटा ये 7 चीजें ही नष्ट हो जाएं, हमारा धन चला जाएगा, हमारा यौवन चला जाएगा, तुम्हारी कीर चली जाएगी। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने साइंटिस्ट हुए हैं, एक समय तो उन्होंने एंजॉय किया, अब कोई याद करता है किसी को, याद दिलाया जा रहा है, इसके हमारा आपका होना होगा। यही गायत्री माँ कह रही है अथर्ववेद के माध्यम से, लेकिन अंत में क्या कहती है, मह्यम दत्वा, तुम्हें इन चीजों को देते हुए ब्रजत ब्रह्मलोक, तुमको हम ब्रह्मलोक में पहुंचा देंगे। ब्रह्मलोक क्या है, मरने के बाद कोई ब्रह्मलोक नहीं मिलने वाला है, गायत्री मंत्र कह रही है। कुछ गुरुदेव उसकी व्याख्या में कहते हैं कि जिंदगी ही हमेशा आप श्रेष्ठ बातों को सोचते रहेंगे, एक्सेलेंसी में हमारा मन चलता रहेगा, सत्य का बोध करता रहेगा, रियलिटी को रियलाइज करता रहेगा, इसे कहते हैं ब्रह्म में रमण करना, प्रसन्न है, आनंद का जीवन जीते रहेंगे।
आनंद ही परमात्मा है, जीवन समाप्त है। नहीं आपने तो नहीं देखा है, हमको एक पेशेंट कभी नहीं बोलते थे, तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, इतनी बहुत पैसा उन्होंने कमाया मरीजों को वो करके, दूसरों का ले करके बहुत ज्यादा। तो उनसे कभी मिलने जाए, हमारे सीनियर थे वो, जॉइंट डायरेक्टर थे, हम उस समय मेडिकल ऑफिसर थे, तो सिगरेट बहुत पीते थे। हम उनसे कहते थे कि हमारे सामने सिगरेट हटा देते थे, क्योंकि हम लोग सिगरेट छुड़वाते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो कहते यार शर्मा तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम चुप हो जाते थे, हमने कहा बात सर आप तो की रहे, अब हम कैसे कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको बहुत अप्रिशिएट करते थे। लेकिन अब गाती मन जब करना नहीं, हमेशा एसी में रहना उस जमाने में, हमेशा हर छः महीने पर नई कार बदलना, लेकिन आदत मजबूत थी। अब देखिए आप रिटायरमेंट के बाद ही हो, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, आप नाम सुना होगा, वहाँ भर्ती हुई डॉक्टर एस सी राय, उसमें डायरेक्टर थे हॉस्पिटल के, जो मेयर भी थे, डॉक्टर सक्सेना सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन थे। हम तो शांति के लिए रहे थे, हमें जो मिलने के लिए राय साहब साथ हम काम कर चुके हैं बलरामपुर, वो मिलने गए थे, अब वो जज्बेट पर थे। लेकिन इतना मोह उनको उस रुपये का था, और बहुत ज़मीन उनकी थी यही ए ब्लॉक के सामने लखनऊ, जहाँ राम सागर कॉलोनी बन गई थी। अब वो प्राण उनका निकली नहीं रहा, सिस्टम टोटल फेल कर गया था, मतलब इतना सिगरेट उन्होंने पिया था कि मच्छर उनको नहीं काटता था, इतनी फॉल स्पिनिंग थी उनके ब्लड में, तो उनका कोगुलेशन टाइम कम हो गया था, सब कुछ कम हो गया था। अब सिस्टम फेल हो गया, प्राण नहीं निकल रहा, आप डॉक्टर्स करेंगे, अब बड़ी बड़ी आँखें उनकी, और वो परेशान हो रहे हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ, वो कहाँ, बच्चे खड़े थे, पत्नी खड़ी थी। तो डॉक्टर सक्सेना साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब इनके कान में ओम कि ओम जो साउंड वाइब्रेशन दिया वेरी सूदिंग टू द न्यूरॉन्स, मेंटल पीस इससे पैदा होती है, प्रूव हो चुका है। तो उन्होंने कहा सर आप ही कहिए। तो एक दो बार उन्होंने कहा, फिर दो तीन बार, जब तीसरी बार हमने ओम उच्चारण किया, धीरे धीरे वो कॉमन क्वाइट होने लगे, जिनको पेथिडीन लग रही थी, कॉम्पोज लग रहा था, और फिर भी वो नहीं कॉमन क्वाइट हो रहे थे, इसी ओम के पांच सात बार उच्चारण होने से शांत हो गए, प्राण तो निकलने थे, ये कष्ट क्यों हो रहा था, मोह का लगाव। शांति कहाँ से मिली, आँख के सामने की बात आई बलरामपुर, ऐसे कितने पेशेंट देखने को आज तक मिलता है, शांत कहाँ मिली, वहाँ से मिली। अब गायत्री मन क्या करता है, ये पहले ही हमको आप उस अवस्था में डाल देता है, ये अवस्था ही नहीं आती, आने नहीं देते इसे, असब कुछ मिलता है। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है, अगर आपको दुनिया में प्रमाण देखना है तो आपको पीछे इतिहास में नहीं जाना है, परम पूज आचार्य जिसके प्रमाण है, वेदमूत आचार्य जी जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार को बनाया है, जो हम सबके गुरुदेव हैं, जो आपके भी हैं, जो प्रकाश के रूप में व्याप्त हैं और यहीं मौजूद हैं। जब आप सविता का ध्यान करते या दीपक जलाकर गायत्री मंत्र का जब करेंगे, आप ये मान कर चलिएगा पूज्य गुरुदेव आपके साथ चल रहे हैं। उन्होंने लिखा है 1988 अखंड ग्रंथ जनवरी महीने की पेज नंबर 30 के ऊपर कि शरीर छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं है, गुरुदेव लिखते हैं, और ये कोई बड़ी घटना नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद गुरुदेव जी लिखते हैं क्षण भर के लिए निराकार हो जाएंगे, उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे, और अखंड दीपक जो शांति कुंज में 90 वर्षों से प्रज्वलित है, निरंतर गीत पड़ता रहता है, उसी अखंड दीपक में मैं समाहित हो जाऊंगा और वही मेरी स्टैचू प्रतिमा होगी। देर सवेर वंदनिया माता भी शरीर छोड़ेंगे, वो भी उसी में समाहित हो जाएंगे, और ये गंगा यमुना का मिलन होगा, ये जिसको मेरा दर्शन करना है शांति कुंज जाने के बाद, उसी अखंड दीपक का दर्शन करेंगे, यही मेरी शांति। अब अखंड दीपक का क्या मतलब, सूर्य, सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव है दीपक, उसी के किरण हमारे आपके अंदर है, अब वो व्याप्त है, वो ऑमनीप्रेजेंट, जिसको गुरुदेव ने जानते हैं कैसे लिखा बाद में, उनकी अंतिम पुस्तक है, आप जरूर पढ़िएगा उसको, परिवर्तन के महान क्षण, वो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, इंग्लिश में ग्रेट मूवमेंट्स ऑफ चेंज उसकी हेडिंग है, ये जर्मन में हुई है, इटालियन में हुई है, उड़िया में, तेलुगु में, असमी में, ये छोटी सी पुस्तक है, लास्ट बुक है गुरुदेव की, जिसमें मेरा आश्वासन, मेरा अनुरोध हेडिंग है,
पेज नंबर 30 पर गुरुदेव उसमें 32 पेज की है ये क्यों छोटी सी पुस्तक परिवर्तन के महान क्षण, उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर की ढकोसला छोड़ने के बाद जो कोई भी मुझको कहीं याद करेगा उसको वही प्यार देते हुए, उसको आश्वासन देते हुए, सहयोग देते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शरीर थोड़ी नहीं आए, जैसे आप कहीं मुसीबत में फंसे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप जहाँ गायत्री मंत्र का जब आपने किया या आपने सूर्य का ध्यान करके, दीपक का ध्यान कर गायत्री मानी मंत्र कहा आपने, या गुरुदेव का चित्र आपके पास हो, तो वो कल्पना कर लीजिए हमारे माता पिता के रूप में आप क्या देखेंगे। थोड़ी देर आपका आत्मा बढ़ जाए, आपकी हिम्मत बढ़ जाए, आपको रास्ता अंदर से निकल आएगा और कोई आएगा आपकी मदद कर देगा और चला जाएगा। आप देख सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, दुनिया देख रही है। इसलिए आज गुरुदेव को शरीर छोड़े हुए कितने दिन हुआ, 90 शरीर छोड़ा उन्होंने, 26 वर्ष हो गए और मिशन दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। कौन प्रेरणा दे रहा है? हम सब गुरु भाई हैं, प्रेरणा कौन दे रहा है? आज एक कोने कोने में जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जब कर रहा है आपको राइट डायरेक्शन मिलता चला जाए। आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, यू डू इट एंड यू गेट इट। इसमें कोई इधर उधर इफ एंड बट नहीं है, इसमें करिए और लीजिए। अब हम इसके वैज्ञानिक आस्पेक्ट पर आकर के और आपको करना क्या है पहले ये बता देते हैं, फिर बात को समाप्त करते हैं। आपको आज से 3 काम करना है। आप देखिएगा कैसे आप सेटल करते हैं इस लाइफ में, कैसे आपका शादी विवाह अच्छा होता, वो सिलेक्शन भी कैसे आप अच्छा कर लेते हैं, कैसे आप परिवार में अच्छे हो जाते हैं, ये आपको फ्यूचर बताता रहेगा अगर आप करते रहेंगे। क्योंकि हमको खुद मिला है, जैसे गुरुदेव का हमने किया सब मिला हुआ, कोई कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, कौन करे उसको। अब जो जो कर रहे हैं सबको मिल रहा है, सब अच्छे होंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या करना आपको? पहला, अभी आपको और कुछ ज़्यादा नहीं करना है ईस्टर्न टाइम में, केवल जब आप सो कर कुछ गुरुदेव कहते हैं, आप जब चारपाई पर उठिए सुबह सीधे कमर करके बैठ जाइएगा और 7-8 बार गहरी सांस लीजिएगा, डीप ब्रीदिंग करिएगा। माइंड जैसे बेटर ऑक्सीजनेशन होगा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, सोचने लगेगा। और पहला आप कहिए तुम्हें माता सुनता, प्रार्थना करिए या अपने हृदय से बोल दीजिए आज का दिन हमारा बहुत अच्छा, बस आज का दिन का पूरा सदुपयोग करेंगे, क्योंकि एक दिन का जीवन मान करके चलना चाहिए। इसको मालूम कर क्या हो, एक दिन का जीवन मान करके चलना है, उसका पूरा सदुपयोग करना है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप आप बैंक में देखते हैं, पिक्चर बनी होती है, घड़ा भर रहा है बूंद बूंद, तो अगर हम एक एक दिन का इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो समुद्र हो जाएगा हमारा एक दिन। एक दिन का जीवन मान करके चल रहे हैं, सुबह हमारा नया जन्म हो गया, इसको आत्मबोध की साधना करें, आत्मबोध नया जन्म होना। बस फिर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए 12 बार या 24 बार आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गिन करें 12 या 24, सूर्य की किरणें आ रही हैं उसमें हम स्नान कर रहे हैं, तो माथे के बीच में आई, दिमाग में गई थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स पासिंग इन आवर सेल्स, और हमारे अंदर की फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ गई, हमारा विगर, वाइटैलिटी, माई डिवोशन, डेडिकेशन इंक्रीज कर रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है हमारी। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, अपने को सजेस्ट करते हुए जब कर दीजिए 12 बार या 24 बार, फिर आप प्रार्थना करिए ओम तम सोमा ज्योतिर्गम है, हे परमात्मा अंधकार मामकर नहीं, हे परमात्मा अंधकार है को प्रकाश के तरफ ले चलो, जितनी निगेटिविटी है सब अंधकार का पक्ष है, प्रकाश मतलब ज्ञान। फिर कहिए असतो मा सद्गम है, असत से सत का बोध कराइए हमको, अब चाहे वो फार्मूला हो और चाहे वो स्पिरिचुअल फैक्ट हो चाहे वो सांसारिक फैक्ट हो, दोनों में सत का बोध हो जाएगा। असतो मा सद्गम है, मृत्यु और माँ अमृतम गम है, हे परमात्मा मृत्यु में अमर मतलब ना मरना, हे परमात्मा कभी मरने वाले नहीं है, मरने वाली शरीर है ये, आपको ऐसा बोझ कराइए आप, बस ये 3 कह लीजिए और दोनों हाथों को रगड़ लीजिए।
और रगड़ने के बाद चेहरे पर लगा करके उठ जाइए चाहता है। एक दो मिनट बैठे ले लिया, आप देखेंगे इसी 5-7 मिनट के अंदर आपको बहुत इंट्यूशंस आ जाएंगे। 7 मिनट्स में आज आपको ये करना, आपको ये करना, कुछ रिकॉल करेंगे आप, कुछ योजना बनाएंगे आप। एक डायरी रखिएगा, बस खरीद रख लीजिएगा, स्पिरिचुअल डायरी उसका नाम रखिएगा। जो इंट्यूशन आपको आए नोट करेंगे। अब ये भी आ जाएगा, आज 3 तरीके के बाद गुरुदेव आपसे कहेंगे। एक तो आपको जो पढ़ना है वो याद दिला देंगे, उसको पढ़ लेना अंदर ही अंदर, उनसे मिल लेना, वो तुम भूल गए हो उसको कल रखना। अरे सारी बातें बोलते हैं जब अपने जीवन कर्म आपको बता रहे, पर नोट करिए जरूर, आप नहीं भूल जाए। जहाँ बाहर दुनिया में बातचीत शुरू हुई तहाँ तो मैसेज तो चला जाता, इसे थोड़ा नोट कर लेना चाहिए और फिर उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे आप कितने सक्सेसफुल हो जाते। सुबह इसको कर लीजिए, दिन भर अपना काम करिएगा, दिन भर एक ही काम करना, अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना, सीनियर्स की रिस्पेक्ट और जूनियर्स को लव एंड अफेक्शन, ये हमेशा ध्यान रखिए। चाहे सीनियर हो, चपरासी हो, चाहे हमारे बॉस हो, चाहे हमारा कुली हो, सीनियर टू सीनियर, आफ्टर ऑल एज, एज में बड़ा है तो कुछ तो लाभ मिलेगा मुझे। इसी को साधना कहते हैं, व्यवहार की साधना। वाणी अच्छी बोलिए, रिस्पेक्टफुली बात करिए, और रात में जब सोने लगी तो पैर धो करके सोइएगा, मेंटली प्रिपेयर हो करके। और अगर कोई गलती दिन में हुई, कोई चिंता हमारे मन बैठी हुई है, तो सोने के पहले अपने से अपोलोजाइज कर दीजिए, आज हमसे ये बात हो गई है, कल हम ऐसा नहीं करेंगे। सेट योर सेल्फ, गॉड इज सिटिंग हियर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, अर्जुन तो दुनिया भर का धर्म छोड़ दे, इस समय बात करना, सर्वान धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। अर्जुन के लिए कितनी मेहनत भगवान कृष्ण करना पड़ा, अर्जुन फिर भी पूछता है कि अब कैसे आपकी शरण में आए। भगवान कहते हैं देखो अभी तुझे समझ नहीं आया, मैं व्यक्ति थोड़ी हूँ। तब देखिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, अर्जुन से, हे अर्जुन, ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ तुम्हारे अंदर। अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं ना, हे अर्जुन सर्वभूतानां, सभी जीवों के मैं हृदय में बैठा हुआ, उसी हृदय की पुकार को सुनो, यही मेरी शरण में आना, अब मैं तुम्हारे हृदय में बोलूंगा। उसी देवी गुरुदेव ने वेदवाद में क्या कहा, अंदर की आवाज को सुनो, इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को सूफिज्म कहते हैं। गायत्री मंत्र इसी आवाज को सुनने में मदद करती है, बस आराम से आवाज सुनाई पड़ने लगती है और आप आगे बढ़ते हैं। बस आप इतना ही करना। और स्वाध्याय में क्या करेगा, अखंड ज्योत पत्रिका। जब आपको मेंटल रिलैक्स करना हो तो आप ज्यादा मोबाइल फोन पर मत जाना, ये दुश्मन नहीं है, हमने तो अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया, अपनी बात बता रहे हैं, मिसेज का तो चल रहा है। हमने कहा भाई एक दिन का तो वो तो 15-20 मिनट टाइम रात में निकालती हैं, हमने कहा उतनी देर में अपना स्वरूप का ध्यान करें, पढ़ाई करें, हम इसको देखें, दुनिया भर का मैसेज आया करता था, तो हमने हटाई दिया, इससे बिल फोन है हमारे पास। और अब सदैव डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में क्या किया, ये जितना स्मार्टफोन है वो सब बंद करा दिया गया, सिंपल फोन बच्चे लेते हैं, जो 9 दिन कर रहे हैं उनका सिंपल, नहीं तो पता चला यहाँ क्लास चल रही, वो फेसबुक चल रहा उनका, क्योंकि उसके एडिक्शन हो जाता है ना उसका ही, तो वही उसके जान छुड़ाना भी बुद्धिमानी है। या तो आप देर देर तक कंट्रोल कर लीजिए कि भाई चलो 5 मिनट दे करके बंद कर देंगे। गायत्री मंत्र जप करने से ये कंट्रोलिंग पावर आपको आ जाएगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मन मान जाएगा। इसी को कहते हैं आज्ञा निवृत्ति मन, चंचल मन किसको कहते हैं, हम इसको करना चाहते हैं वो करने नहीं दे रहा है, वो भाग रहा है, ये चंचल मन है। और जब विवेक के अंदर में आ गया, इसी को कहते हैं कि मन हमारे कंट्रोल में आ गया, और समझे कंट्रोल माइंड इसको कहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, मन भी कह रहा हाँ करो, तो कंट्रोल में आ गया, नहीं हमें नहीं करना चाहते, मन कह रहा अभी तो ये नहीं करना, अभी तो पिक्चर देखना, हम कह रहे पढ़ाई करना, वो कह रहा ये देखना, इसका मतलब हमारा विरोधी है। तो ध्यान करने से, जप करने से मन कंट्रोल में आता है।
स्वाध्याय करने से मन कंट्रोल में आता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से मन कंट्रोल में आता है, ये तरीका है, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है, इसको आप करते रहिए, तो इतना ही आपको करना है। स्वाध्याय मखण ज्योत पत्रिका आप जरूर पढ़िएगा, छोटी छोटी पुस्तकें गुरुदेव की, जब इसी को रिलैक्सेशन कहते हैं, चेंज योर वर्क इट इज रिलैक्सेशन, कोई जरूरत थोड़ी कि आप खेलने चले जाए पिक्चर देखने में, चेंज योर वर्क क्या जी। हम जब पढ़ते थे तो हम तो कैरम खेलने चले जाते थे आश्रम, और फिर देखते थे कोई किताब खोल लेते थे, बस मेंटल रिलैक्स हो गए, पढ़ते पढ़ते मेंटल फटीग हो जाता नहीं। आप ये बस ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा पढ़ते रहेंगे सोचते रहेंगे डेवलपमेंटल फटीग है नहीं, निराश सोचना बंद कर देते हैं उसको, तो क्या करिएगा, थोड़ा स्वीट खा लीजिए, थोड़ा पानी खूब पीजिए, आप लैक्टिक एसिड बनने लगता है फटीग होने से, वो फिर डाइल्यूट होकर यूरिन से बाहर चला जाएगा, आपकी फटीग खत्म हो जाएगी, आप नॉर्मल होने लगेंगे, क्यों ब्रेन हार्डवेयर है ना, वो तो जिससे जो सोर्स है हमारा, अब सोर्स तो थक गया, अब सोर्स को आप वाइटलाइज करिए, रेस्ट देना ये वाइटलाइज करने का तरीका है, डीप स्लीप वाइटलाइज करने का तरीका है। अगर डीप स्लीप नहीं आएगी तो ब्रेन कभी रिवाइटलाइज नहीं होगा। अगर आपकी तकिया ठीक नहीं है, नेक में कोई दर्द हो रहा परेशानी है तो वही वाइटलाइज नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप सब, क्यों कंप्यूटर ओवर करते हैं ज़्यादा बैठ कर पढ़ते हैं, तो आप एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज डेली करिएगा, ये सर दोनों सर के पीछे जो क्लब योर बोथ हैंड्स एंड पुट इट बिहाइंड योर स्कल एंड पुश इट बैक फ्रॉम स्कल एंड पुश इट फॉरवर्ड विद योर हैंड्स, नेक शुड बी स्ट्रेट, ब्लड सप्लाई विल इंक्रीज and recite once Gayatri Mantra while you are pushing forward and backward, then put it forward on your forehead and push it again with full strength and do the deep inspiration, then come on the right side by one hand, again push it, then the left side, push it here, once cycle is completed, once you move anterior, posterior, both the lateral sides, एक चक्र हो गया। अब इससे क्या हो, जो कॉमन कैविटी आर्टरी जो ब्रेन को मेन ब्लड सप्लाई कर रही है, जो रेस्ट में चली गई थी, स्टेट हो गई कि नहीं हो गई, आपको लाइट आप चार बार कर लीजिएगा, आप लाइट फील करने लगेंगे। अब लाइट फील क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन की ठीक हो गई, ऑक्सीजन बेटर हो गया, आउटपुट उसका बेटर होगा। गायत्री मंत्र तो छोड़ी है, एक पॉजिटिव इनपुट है माइंड के अंदर, वह पॉजिटिव आउटपुट हो देने लगते, जैसा इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा भाई, इनपुट डाल रहे हैं आप, तो आप रिवाइटलाइज करने के लिए मतलब आप खेलते हैं आप लोग दौड़ते हैं ना, रनिंग जरूर करनी चाहिए, आप 20 मिनट्स रनिंग करिए, 15 मिनट्स करिए, या अभी तो आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, या सीना वगैरह, मान लो आप कहीं आईएएस में जाना चाहते हैं, या आईपीएस जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता नहीं है, बीटेक के बाद हमने देखा था कि आईएएस में ज़्यादा आ जाते हैं, अब तो एमबीबीएस वाले भी जाने लगे हैं, और एक तरीके से तो अब जाने ही लगे हैं सब, उसमें जब उतना चार उसमें है नहीं, लेकिन जिसके मन में आ जाता है तो फिर आप लोग सेट करते, तो ये सब करते रहना। अच्छा, खेलने के बाद क्या करना, देखो अंकुरित तो आपको मिलता ही है यहाँ पर, अंकुरित कहिएगा, कल हमने आपसे बताया था पानी खूब पीजिएगा, और एक एक घंटे के गैप के ऊपर जब रात में पढ़ते हैं आप तो कुछ खाते रहिए, आप बिस्किट्स देते रहिए, गुड़ आप बहुत थोड़ा सा ले लीजिए जिसमें मसाले वगैरह नहीं मिले हुए हैं, या आप कुछ किशमिश रखे रहिए, एंटी ऑक्सीडेंट है किशमिश, रेजिन्स, उसको आप दो चार किशमिश खा के पानी पी लीजिए, फ्रक्टोज आपको मिलेगा, आप काम करते रहें, ब्रेन आपका वाइटलाइज होता रहेगा, बीच में गहरी सांस ले लीजिए आप, अभी वाइटलाइज हो जाएंगे, काम करते रहिए, बस इतना आप फिजिकल करते रहिएगा, और अगर आप ज़्यादा आगे महसूस करते हैं कि हमारी काली पावर कुछ कम हो रही है, तो आयुर्वेद में ब्राह्मी आती है, इट इज़ बेस्ट नारायण टॉनिक,
आप ब्राह्मी की दो गोली खा लीजिए, या तो आप उसके पाउडर आता है चूर्ण उसका पीओ दीजिए स्वपी भी, और आपसे निवेदन करें बी कॉम्प्लेक्स एक तो सबको लेना ही चाहिए अल्टरनेटिव, दो तीन दिन छोड़ कि हमारा आपका ब्रेन जो लेता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन सी, विटामिन सी से ही ब्रेन सेल्स में क्लैरिटी पैदा होती है, या तो नींबू लीजिए, या तो आप टमाटर को खाइए, या तो आप विटामिन सी के सेरम की टैबलेट ले लीजिए आप दो तीन दिन छोड़ करके, तो वो जो डिफिशियंसी वगैरह होती रहती है वो खत्म हो जाए, बस इतना ही काम आपको करना है। अब जहाँ तक इसकी इसके वैज्ञानिक एस्पेक्ट का सवाल है, उसके पांच बिंदु बताकर छोड़ देते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का जब आप करते हैं तो पहला होता है साइकोडायनेमिक चेंज, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल चेंज, जब बार बार कहते हैं तो चार आप याद कर लीजिए उसको, पहला है लर्निंग एल और आर क्यू एल आर क्यू, लर्निंग रिटेंशन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, पहले वो गुण हमको याद हो जाते हैं जो गायत्री मंत्र में कहे गए थे, आप उसको भावार्थ पढ़ लीजिएगा सभी जगह तो मिलता है, लर्न हो गया बिहेवियर चेंज हो गया, रिटेन होगा बिहेवियर चेंज होगा, आप खुद ही देखते हैं कि मन बदल गया तो बिहेवियर बदल गया ना, तो फिर थर्ड इससे रिकॉल है, सारी अच्छाइयाँ हमारे आपके अंदर भरी हुई हैं लेकिन हम भूले हुए हैं तो याद आने लगता है, उसी रिकॉल कहते हैं, और बाद में आप रिकॉग्नाइज अंदर में कर लेते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग कहते हैं, उसी को विश्वास कहते हैं, जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे फिर आप उसको इतना विश्वास आपको हो जाएगा कि कोई उसको टाल नहीं सकता, उसी को मालूम है तुलसीदास जी ने जब मीरा को पत्र लिखा, मीरा जब बहुत परेशान हो गई तो तुलसीदास जी ने मीरा से कहा कि देखो जाके पीन राम गए देही तजिए तुनही फूट कोट वैरी सम, जिसको राम मतलब परमात्मा जिसका सहायक नहीं है उसको तुम दुश्मन मान करके छोड़ देना, चाहे तुम्हारा माता हो पिता हो भाई हो कोई भी हो वही तुम्हारी सहायता करेगा शक्ति। और जब कबीरदास जी ने एक पत्र लिखा उस समय एक आत्मा सब साथ साथ आई थी, कबीरदास जी ने कहा आप आखन की देखी कह रहे हैं, कागज की लेखन कह रहे हैं, हम आखन की देखी कह रहे हैं, मतलब मैंने अंदर से ये रियलाइज किया मैं उसको कह रहा हूँ और आप पढ़ी हुई बात को कह रहे हैं, तो रियलाइजेशन के बाद फर्म फेथ हो जाता है, उसी को विश्वास है, वैसे विश्वास नहीं होता, पहले श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा अंदर लगाओ, जब हम किसी अच्छे काम को करते हैं तो इसी को लगाओ कहते हैं, और जब करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा तो विश्वास हो जाएगा, इसीलिए आत्मन बढ़ने के लिए चार फार्मूला नोट कर लीजिए, पहला संकल्प, यही संकल्प आज आपसे ले रहे हैं कि हम 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करेंगे उस पर हमें संकल्प हो गए, हम एक्सरसाइज करेंगे यही संकल्प, प्राणायाम करेंगे संकल्प, और थोड़ी संकल्प होता है इसी कहते हैं डिटर्मिनेशन को। दूसरा संयम, हम टाइम को थॉट्स को अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे इसी को संयम, वेस्ट नहीं करेंगे, तब संकल्प और संयम, तीसरा श्रद्धा, श्रद्धा अंदर लगाओ और रेगुलरली इसको हम करते रहें, आत्मविश्वास आपको पैदा हो जाएगा, आपका लाभ बढ़ जाएगा, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनाने का तरीका है, एक्सपेरिमेंट है जो कि करना चाहिए आप करना, आप देखिए कितना आत्मल आपका बढ़ जाएगा, आत्मल बढ़ने जानते फायदा क्या होता है, विवेक जग जाता है दिमाग के अंदर, बिल्कुल राइट डिसीजन आप लेंगे हमको ये करना है, बस ये नौकरी करनी है, ये शादी विवाह करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, ये स्वयं हमारे जीवन का अनुभव है, जब शादियाँ एमबीबीएस करने के बाद आने लगी तो कितना लोगों ने क्या क्या कहा, अंदर वाला रोक देता था ऐसा मत कर, कोई फादर नाराज हो जाते तो अंदर से दुनिया नाराज हो जाए, इसी करते रियलाइज होना, और फिर जहाँ होनी थी वहाँ आ गया नहीं, यही तुमको करना और ठीक हो गया, तो ये कौन बताएगा भाई, आपको कौन गाइड करेगा, आप खुद सोचिए कौन टीचर आपके पास रहेगा, इंटरनल टीचर ही तो रहेगा, और वो है सदविचार,
अब वो गायत्री मंत्र वो गाइड करता रहेगा मुझे, बस इतना आप करते रहना। तो पहला एक चेंज हो गया, अब देखिए दूसरा चेंज, साइंटिफिक चेंज कैसे काम करती है। हमारे आपके ब्रेन से हमेशा चार टाइप के रेज निकलती रहती हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑलवेज ब्रेन डिस्चार्ज करता है। और आपका ब्रेन तीन तरीके से काम करता है, नोट कर रही लेटेस्ट साइंस जो कह रही है, केमिकल करंट एंड थॉट्स, केमिकल करंट एंड थॉट्स, इन तीनों को लेकर के ब्रेन वर्क कर रहा है। जो करंट है सेल्फ जेनरेटिंग करंट, कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे आपके बॉडी में करंट सेल्फ जेनरेट करती है। कहाँ करती है? एक तो हार्ट के पेस में कर, आप समझ रहे हैं, पेस मेकर हमारा आपका हार्ट जो 80 टाइम चल रहा है, यहाँ पर जो पेस मेकर भगवान ने ये भी रोड इसको कहते हैं बना दिया, कंटिन्यूस इम्पल्स डिस्चार्ज कर रहा है। जब ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी है क्या, ये इम्पल्स आ रहा है, करंट पास हो रहा है, इतने मिलीवोल्ट्स में करंट जा रहा है, वही ब्लॉक हो गया, उसी कहते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया, इम्पल्स करंट जाना बंद हो गया। हार्ट रेट 80 से 50 हो गई, उसी कहते हैं कि ये 40 हो गई, इनको तो ब्रैडीकार्डिया हो गई, अब 30 हो गई तो यहीं पर आर्टिफिशियल सेल डाल देते हैं, हार्ट चलने लगता है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो करंट पैदा हो रहा सेल्फ जेनरेटिंग, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, हार्ट का करंट अलग, ब्रेन का अलग, रेटिना का बिल्कुल अलग करंट है। क्या गजब को बनाने वाले बना रखा है गायत्री मंत्र, ये जितने अलग अलग करंट है जिसको प्राण कर सबको रेगुलेट कर देती है, क्योंकि सारे सेंटर्स को हिट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस। जिसमें आप गायत्री मंत्र बोलते हैं साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती नहीं है, साउंड वाइब्रेशंस दे आर कन्वर्टेड इनटू हीट, ये आप सब जानते हैं, हीट इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नेट एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट। तो गायत्री मंत्र का जब करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आपके माइंड में बन जाता है, बॉडी में मैग्नेटिक, मैग्नेट कहाँ है, आयरन जो है वो मैग्नेटिक तो है, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, आप सबको ही जांच करवाए थे, वही तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और आयरन है वो केवल आयरन है, फेरस सल्फेट, ये करंट उसी फेरस सल्फेट से मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी आप बॉडी में भी, उसी को ऑरा कहते हैं, जिसकी फोटोग्राफी हो चुकी है, ये हमारे आपके ऑरा फेस से आता है, उसी को संस्कृत में कहा गया है प्रतिभा, कुछ और शब्द आरा के लिए, प्रतिभा ने कुछ और शब्द कहा उसके लिए, इंग्लिश में आरा कहता है। अब ये करंट ज़्यादा बहता रहता है फेस से, तीन जगह ऐसी है जहाँ पर करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा बॉडी का होता है, एक तो फेस पर, दूसरा हाथों से, पाम से फ्लो करता है, नाखून से करता है, और ये जेनिटल एरिया के आसपास फ्लो करता रहता है, मैक्सिमम फ्लो करता है, इसलिए अंडर गारमेंट्स पहने जाते हैं, ऋषियों ने सब लिखा था, ये साइंस ने अप्रूव किया ये, इसलिए इंडियन कल्चर में कभी हाथ नहीं मिलाते हैं। आप देखा जब प्रधानमंत्री भूल जाता है हमारे यहाँ तो हाथ मिलाता है, तो याद आता है हमारी संस्कृति तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, चाहे जितने प्रधानमंत्री आप सबको देख लो, हमारी कल्चर में हाथ क्यों नहीं मिलाते? जैसे आपने शेक हैंड किया, आपके अंदर का बायोलिट्रिक करेंट प्लस निगेटिव को अपने आप फ्लो कर जाए, आपकी जो पॉजिटिविटी है और निगेटिव है वो आपके पॉजिटिव उसके अंदर चला जा रहा है और उसका निगेटिव थोड़ा आप पकड़ ले रहे हैं। कितनी बड़ी बात, ईश्वर ने फील किया था, विज्ञान ने तो अब देखा इसे, इसीलिए इसे प्रणाम कर लेते थे कि जो करंट अपना बचा रही और आशीर्वाद देते थे, तो ये भी कह सकते बड़े माइजर थे, और आशीर्वाद दे फिर सर ठोंक दिया उन्होंने, सर पर रख दिया, अब परम कुछ विरोध खुद दिखा, जब कुछ गुरुदेव ऊपर गए अपने गुरुदेव के पास हिमालय महानंदन मन में, वहाँ वहीं स्वामी सर्वेश्वरानंद जी खड़े थे, जैसे गुरुदेव जी पहुँचते हैं उनको दादा गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने कुछ गुरुदेव के सर पर हाथ रखा, तब कुछ गुरुदेव की आँखें नम हो गई, उनका आशय प्रसन्न होकर के, और उनके गुरुदेव का प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बेटा मुझे उनसे बहुत प्रसन्न हो, ये तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है, ये विश्वामित्र की साधना थी गुरुदेव जो हिमालय गए हैं 58 के पहले की बात है, तब उसके बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा को देना शुरू किया। गायत्री मंत्र दीक्षा को दे नहीं सकता गाइडलाइन जो हमने आपसे बताया,
ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताया है जो एज स्टूडेंट अभी आपको करना है। अब तीसरा एक इसका मोड ऑफ एक्शन और है जो एक फिर डिस्चार्ज निकलता है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, जिसमें दो ही रेज ऐसी हैं अल्फा और बीटा, जिसको आप कहाँ मेजर करेंगे? इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम में, ईईजी में। आप शांति को जा जाइएगा, ब्रह्मवर्चस्व में चले जाइएगा और आप वहाँ खुद ईईजी लगा हुआ है, आप बायो फीडबैक डिवाइस से किसी अपने कोई आप लेट जाइएगा और आपको बायो फीडबैक दिया जाएगा कि दुनिया बहुत ख़राब है, रिजल्ट ख़राब आने वाला है, सब निगेटिव बात होगी। और आप दो मिनट के बाद देखेंगे बीटा रेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कितना जा रहा है, 20, 22, 24, 26 एब्जॉर्ब वे में पर सेकेंड डिस्चार्ज शुरू हो जाए, इसी को बीटा रेस कहते हैं। देयर द वर्स्ट वेव्स। ये वेव्स कब पैदा होती है हमारे आपके अंदर? साइंस क्या कह रही है? व्हेन वी आर थिंकिंग एंड वरिंग बीटा रेस आर कमिंग, वर्स्ट कंडीशन ऑफ द माइंड, कंफ्यूज, नो जजमेंट, नो सोल्यूशन, बीटा रेस के नाते ब्रेन डिस्टर्ब हो चुका है। और जब आप काम एंड क्वाइट होते हैं उसको मेडिसिन कहती है स्लो इट डाउन, टेंशन कम करो, हरी कम करो, स्लो डाउन, गियर चेंज कर दो, अभी टॉप गियर में चल रहे थे ना और फर्स्ट गियर में डाल दो, ये साइंस कह रही है। फर्स्ट गियर में डालो ब्रेन को, स्लो हो जाओ, शांत हो। कौन सी रेंज निकलनी? अल्फा। कितनी होती है वो? 7 से 14 पर सेकेंड, 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड, इज बेस्ट कंडीशन ऑफ द माइंड। ये कब निकलती है? जब आप पॉजिटिव मेडिटेशन में, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, उसमें हार्मोन्स का नाम आप सब जानते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटिलकोलाइन, ये सब निकल रिलीज होने लगता है, ब्रेन ओशनिक काम एंड क्वाइट माइंड हो जाता है, इंट्यूशन आने लगता है, फॉर साइडनेस आने लगती है, रिसर्च इसी कंडीशन में होती है। चेंज होगा केमिकल एंड बायो केमिकल चेंज, हार्ट में क्या चेंज होगा? डाउन हो जाए, रेट कम हो जाए, और जितना हार्ट का रेट कम होगा उतना रेस्ट करता है और स्ट्रांग भोजन पाता है। जितना हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? 70 to 80 के बीच में। अगर 100 है 120 है रेस्ट मिल नहीं रहा उसको, बीमार हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, फिर दवाएँ देनी पड़ती हैं उसको। गायत्री मंत्र क्या करती है? ध्यान क्या करता है? स्लो डाउन करता है, रेस्ट। आप खुद ही देखना स्लो हो जाएगा, अपनी पल्स खुद ही नापो, नब्ज देखो स्लो हो जाएगा। रेस्पिरेशन रेट पर मिनट होती है 13 से 14, वो भी डाउन हो जाती है और कम हो जाती है रेस्पिरेशन। ये केवल सब चेंज हो रहा है मेडिटेशन की वजह से, और आप उसको देख ब्रेन अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये सब डाउन हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? तो साइकिक चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड बिहेवियर चेंजेस, ये सब आप देख सकते हैं लैब के अंदर। हमने देखा वहाँ पर, तब से पहले होते, आज ही होता है शांति को, जो लोग देखना चाहते हैं वो निकाल दीजिए। और फिर उनसे उन्हीं उसी आदमी से कहने लगी, अरे भाई तुम्हारा भविष्य बड़ा अच्छा है, अरे वो तुम्हारा वो भतीजा तो फर्स्ट डिविजन पास हो गया, बड़ा इनाम उसको मिला है, सारी अच्छी बातें करने लगी उससे। और देखिए उसको ऐसे रेस डाउन होती चली जाएंगे फिर नॉर्मल हो गया, बहुत तो कम नहीं होगी, लेकिन जो भाग रही थी वो कम होकर के 14, 16, 18 बजा जाए, आज नॉर्मल हो जाए। ऐसे साइंटिफिकली देखा गया है कि आप सोचते हैं तो क्या होता है। बस ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। आपसे निवेदन करेंगे एक बार आप शांतिकुंज जरूर आइएगा, भले आप 4 दिन के लिए आइए, वहाँ एक्स्ट्रा सेंसरी वाइब्रेशन और सो रिच शांतिकुंज मिलेगा, इतना रिच है वाइब्रेशन कि अच्छाई सब के अंदर, कितने इंट्यूशन आप आएंगे वहाँ पर, आप आगे बढ़ते चले। आज परम पूज्य गुरुदेव दो तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। आप कहें दो तरीका क्या? टेलीपैथी के माध्यम से आपको मैसेज देंगे, वहाँ भी देंगे। हमने भाई अपनी डायरी बना रखा है शुरू से, नहीं तो हम आते थोड़ी भाई, एक तो डॉक्टर तो आप समझ रहे हैं अच्छा खासा इलाज कर रहे हैं,
सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जब जैसे हम शांति को जाए, अब पूज गुरुदेव ने एक टीम हमसे पहले एक ही बात कहा था, बेटा मैं नंगा करके देखता हूँ कौन क्या करता है, कौन क्या है क्या करेगा, ये अभी से कहा मैं नंगा करके देखता हूँ। अब मैं तुमसे अकेले कोर्ट से बात करूँ, निश्चित बैठी हुई थी 1980 दिसंबर की बात है, तो नंगा करके देखने को तो जानता, तो हम समझ एक्साइट आई है उनकी, मतलब सब देख रहे हैं इसके विचार क्या हैं, इसकी भावनाएं क्या हैं, इसका भविष्य क्या है, इसका भूत क्या है, इतना डेवलप्ड उनका अंदर की साइकी हो चुकी है। लेकिन तब उन्होंने कहा मैं कोठी बात करूंगा, ये सभी हमने पहली बार सुना था, और तो आवाज थे, देखते ही रहे, शब्द सुनते रहे, बड़े सुंदर दिखाई पड़े उन्होंने, पर खदर कुर्ता धोती पहले शांति कुछ बन रहा था उसमें 80 में रुके, हमारे मन में कितनी शंकाएं पैदा हुई थी, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करें, आई गॉट द आंसर इनसाइड, हम सेटिस्फाई हो गए, अपनी डायरी मन में नोट कर, और जैसे हम गुरुदेव जी के पास गए, हमने प्रणाम किया, गुरुदेव जी कहते बेटा तुमको उस प्रश्न का जवाब मिला, हमने कहा मिल गया, ऐसे हम उन्होंने विश्वास पैदा किया, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको भी विश्वास ही हो जाएगा, आप कहें कैसे विश्वास होगा हमको, शरीर तुमकी है, कोई भी किताब आप ओपन करेंगे उनकी, जो आप जानना चाहते हैं वही चैप्टर खुलेगा, और आपको ताज्जुब लगेगा कि वही चैप्टर क्यों खुल गया भाई, इट नॉट एक्सीडेंट, इट नेचर्स प्रोसेस, तो मोटिवेट करें, आज ये मिशन इस तरीके से आपका भाग्य भविष्य बहुत अच्छा है, आप साल एक बार शांति में जाइएगा, अपने को स्पिरिचुअली चार्ज कर लीजिए, अखंडी का दर्शन करिए, सेवा के लिए हम लोग गई हैं, सदे रक्षा बहन जी से मिलिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, आगे यूनिवर्सिटी देखिए, ब्रह्मवर्चस्व देखिए, चलिए आगे बढ़ते जाइए, बस इतना ही आपको करना है, अगर कभी आपको कुछ पूछना हो आगे तो हमारा फ़ोन नंबर शुक्ला के पास है, उस पास आप 4 से 6 के बीच में 9 बजे रात तक आप कभी भी कोई प्रश्न स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो या कहीं आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो जो हमको इंट्यूशन आएगा वो आपको बता देंगे, करना आपको, निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं, हमने पहले ही आपसे कहा है, कोई PhD कर रहा है तो कोई BA कर रहा है, कोई हाई स्कूल में है, कोई आगे है, स्टूडेंट हम सब हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कुछ एक्सपीरियंस हो भी जाएंगे, तो आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए उंगली में लेकर के दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर, तो पैसे स्मूथ और क्लियर हो जाएगी, एयर आसानी से जाने लगती, पास हो जाएगी, स्टिक नहीं करेगी, बस फिर आप ऐसे बैठ जाइए, हमारे साथ दाहिनी अंगूठी से दाहिने नॉस्ट्रिल के नीचे के ऑर्फिस को खाली आराम से बंद कर लीजिए, बस आराम से, अब दाहिने से सांस को खींचना हमारे साथ खींचिए, इनहेल करिए, होल्ड करिए थोड़ी देर, होल्ड रखिए, मानसिक एक बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, इफ यू कैन डू इट, नाउ एक्सहेल, एज मच यू कैन डू इट, होल्ड श्वसन, सांस निकाल करके रुके रहिए, अब फिर अंदर इनहेल करिए, होल्ड करिए, एज मच यू कैन डू इट, अगेन एक्सहेल, बस 4 times हो गए, अब ये ओपन हो जाएगी, मिनिमम 10 times करना चाहिए, जिसमें आप इसको ले रहे हैं लेफ्ट ब्रेन डायरेक्ट ऑप्शन लेता है, तो हमारे का ब्रेन जो रखा हुआ है ट्रिब्यून स्ट्रॉन्ग प्लेट पर रखा है, जो चलनी है वो उसमें सब आर्टरीज और नर्व्स जा रहे हैं, आर्टरीज जा रहे हैं, और डायरेक्ट ऑप्शन लेते ही तो डायरेक्ट ले रहा प्लेट के ऊपर अच्छा थ्रू ऑप्शन ले रहा, अब आप राइट से अभी लेफ्ट से किए अब राइट से, अब राइट देखिए कैसे करेंगे आप, जैसे अंगूठा भी यहाँ था ऐसे घुमा दीजिए अंगूठे को, मिडिल फिंगर से नीचे से बंद कर दिए, ये बस अंगूठे से बंद हो गया, बस बंद हो गया,
ये बात ध्यान रखना, नेजल सेप्टम को पुश नहीं करना, केवल ये ऑर्फिस बंद करना, छेद बंद करना। अब दाहिनी से सांस लेते हैं, होल्ड कर लीजिए, इतना कर सकते नाड़ी शोधन कहते हैं। इसे फायदा क्या, आप देखते होंगे कभी लेफ्ट बंद है, कभी राइट बंद है, कभी लेफ्ट चले, कभी राइट, कभी राइट चले, कभी लेफ्ट, इससे दोनों ओपन हो जाए, इसको सम स्वर कहते हैं। अगर केवल लेफ्ट चलती रहेगी तो आप जब काम करेंगे तो आप बड़े लिथार्जिक रहेंगे, सुस्त रहेंगे, अंदर में तेजी नहीं आएगी। और केवल राइट अगर चल रही है तो आपका मन बहुत चंचल होगा, और जब दोनों चलेगी आपका शांत मन से फुल स्पीड आप काम करेंगे। अब ये इफेक्ट है जो बात कर रहे हैं तो मिलता है इससे। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा। अब जो सीधा किया ना, अब उल्टा सीधा, बाएं से लेंगे और दाने से निकाल देंगे। अब तो वही से बाएं दाने से जीते, होल्ड कर लिए, अब दूसरे से निकाल दीजिए, ये बार और करिए, उसी से निकल करना। एक्सेल, फोर टाइम्स हो गया, साइकिल हुई दो, एक तरफ से लेना और निकालना एक दोनों साइकिल। बट इन काउंटिंग इट इज फोर, तो आप ऐसे ही 10 बार करेंगे तो 5 साइकिल हो। अब तीसरा प्राणायाम करते हैं, अभी आप लाइट हो जाएंगे, जो सुनने की थकान लगी थी नहीं, इसी प्राणायाम सभी भी हल्के हो जाओगे। अब आप करिएगा प्राणाकर्षण प्राणायाम, अब दोनों से खींचना और दोनों से निकालना, अब इसी में लगाना बंद, बंद मतलब दबाना, दो बंद लगाइएगा, मूल बंद और ज्ञान बंद। मूल मतलब जड़, तो जब आप सांस को बाहर हम आप निकालेंगे तो नीचे से पेड़ को ऊपर खींचिए, एनल कैनाल को ऊपर खींचिए, अब पूरे एब्डोमेन को पुलिट अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऊपर खींच के पीछे ले जाइए, इसी को उड्यान बंद करिए। जब हम खींचते हैं उसको तो जो आप नर्व्स हैं उनका मसाज होता है, और जब आप यहाँ रगड़िए तभी करंट पैदा हो जाएगा, अंदर भी ऐसी करंट पैदा हो जाएगा और वही हमको वाइटलाइज करना है। इसीलिए प्राण को बढ़ाने के लिए प्राणायाम और बंद लगाने पड़ते हैं, तब प्राण अंदर का खुद ही बढ़ने लगता है और मन शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। अभी हम आपके प्राणायाम करते हैं प्राणाकर्षण। अब सांस के अंदर भर लीजिए, फिर हाथ को ऐसे रखिए दोनों घुटने के ऊपर, सीना बाहर पेट अंदर, कमर सीधी, सीने को जितना आप इन्फ्लेट कर सकें करिए गुब्बारे के तरीके से, होल्ड रखिए एज फार यू कैन डू इट, देयर शुड नॉट बी सफोकेशन। अब बाहर निकालना से होगा, एक्सहेल करते जाइए। अब एब्डोमेन को ऊपर खींचिए, एनल कैनाल को ऊपर खींचिए, थोड़े होल्ड रखिए, उसे ये मूल बंद हो गया, बस अब उसके बाद सांस को अंदर लगे, एक चक्र हो गया, जहां से आप शुरू किए थे वहां जब वापस आ गए एक साइकिल इसकी पूरी हो गई। तो आप जरा इसको करना 4-5 बार, तो एक बार करा देते हैं, क्यों आप इसको 3 बार मिनिमम करिए, आप घड़ी देकर करेंगे 10 मिनट ज्यादा नहीं करेंगे, और अंत में भ्रामरी करना, इससे मेमोरी बढ़ती है, स्लीप अच्छी आती है, इंट्यूशन अच्छे आते हैं, मेंटल पीस मिलती है, न्यूरॉन्स चार्ज होते हैं, इससे भ्रामरी से, भ्रामरी मतलब सर्कुलर वाइब्रेशन, भावरे के तरीके से आवाज पैदा होती है,
अब ये नाक से ओम बोलना है, सांस पूरी भर ली, कान बंद कर लिए, आपको ये ध्यान क्या देना है जिसमें ओम बोलते हैं, बाहर का कान तो बंद है ना, अंदर के कान से अंदर की आवाज को सुनिएगा, अंदर सुनना है, अटेंशन योर माइंड ऑन इनर वॉइस इज क्रिएटिंग बाई इसी चैंटिंग दिस मंत्र। और फिर जब आप सांस को इनहेल करेंगे तो सांस की आवाज को सुनिएगा इंटरनल ईयर से, आपको तीन से पांच बार, तीन बार करना, अभी तीन बार कर लीजिए, आप देखेंगे लिप्स को कैसे क्लोज करें, टाइटली क्लोज मत करिए, थोड़ा सा इसमें सलाइवा लगा करके लाइक दिस इसको जेंटली क्लोज कर लीजिए दोनों लिप्स को, और फिर ओम बोलना। अब आप बंद करिए, सांस अंदर लेना, आंखें बंद, कान बंद, सांस अंदर भर लीजिए, वाइब्रेशन लगते ही नहीं कि लिप्स के अंदर ऐसा लगता है वाइब्रेट कर रहा, चीटी की तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है ये, वाइब्रेशन आ रहा है, ये 12 नर्व्स के माध्यम से सप्लाई कर रही है ना, सप्लाई टंग को, उससे करंट आ रहा है। अब आप सोचो इतना करंट जब पास हो रहा है लिप्स में तो न्यूरॉन्स का डायरेक्ट उसमें कितना पास हो रहा होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी, मेंटल पीस में चले जाएंगे, काम एंड पार्ट हो जाएंगे, आराम से काम करिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए बताए गए हैं, हमारा जो भगवान ने हमको सोर्स दिया है, टूल्स दिया है, उसका हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात। अब आप आधी आँख खोल करके पहले तीन दो बार गहरी सांस ले लीजिए, just deeply inhale and exhale, don't hold it, rest। अब थोड़ी आंख को बंद करिए, 3/4 बंद कर लीजिए, थोड़ी खुले रहिए। अब आप फ्लेम को देखिए, concentrate on the flame and aura around it। आप देखिए किनारे किनारे आपको गोल्डन आरा दिखाई पड़ रहा है, फ्लेम के किनारे आती हुई रेज दिख रही है, ओम का मानसिक जप करते रहिए, रेज को देखते रहिए फॉर 30 सेकंड्स, और मन में ओम को रिपीट करते रहिए, ओम को रिपीट करिए। आप दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि अब वो रेज हमको आंख बंद करने पर भी दिखाई पड़ रही है, अब फिर ओपन कर लीजिए और फिर देखिए उसको, प्रैक्टिस करिए इसकी, अब फिर ओपन करिए, बहुत सुंदर आपको आरा गोल्डन दिखाई पड़ रहा होगा, फिर आग बंद करके कल्पना करिए, और ये कल्पना करिए जो फ्लेम जल रही है वही फ्लेम हमारे आज्ञा चक्र में भी जल रही है, और वो रेज हमको दे रही है, वो फोकस योर माइंड ऑन द इमेजिनरी फ्लेम इन योर मिडल ऑफ द फोरहेड, प्रकाश की कल्पना करिए आप उसकी। अच्छा, अगर ये कल्पना अभी नहीं पूरी हो पाई है, थोड़ी देर बाद फिर आंख खोलिए आप, और हाफ ओपन हाफ क्लोज करके फ्लेम को फिर देखिए आप,
क्लोज कर लीजिए और हमारे साथ ओम का उच्चारण करिएगा तीन बार. शांति शांति शांति.